आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। आदरणीय डॉक्टर अजीता थाउसेन, अध्यक्षा कावा तथा इस सभागार में उपस्थित कावा के सभी सम्मानित जर्नल हेड्स, अन्य सीईसी सदस्याएं, सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर गुड़गांव में उपस्थित आज के कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती अंजू कौशिक, कोऑर्डिनेटर श्रीमती रीता रावत तथा आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर रक्षित टंडन, साइबर सिक्योरिटी इवेंजलिस्ट एंड फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से जुड़े सीआरपीएफ की सभी रीजनल कावा हेड्स, वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्मिक एवं उनके परिवारजनों का मैं युवराज कुमार, उप कमांडेंट सीआरपीएफ एवं ज्वाइंट सेक्रेटरी कावा सीआरपीएफ मुख्यालय नई दिल्ली से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के एनुअल एक्टिविटी कैलेंडर 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 को दूसरे टॉपिक साइबर बुलिंग पर व्याख्यान श्रृंखला आयोजित करने हेतु चयनित किया गया है। सीआरपीएफ के कार्मिक एवं उनके परिवारजनों के लिए इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सीआरपीएफ यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से भी किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले अनुरोध करना चाहूंगा प्रेसिडेंट सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन डॉक्टर अजीता थाउसेन से कि वे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत अपने संबोधन से करें। ओवर टू प्रेसिडेंट कावा। नमस्कार, डॉक्टर रक्षित टंडन आज के कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता एवं कावा की सभी जोनल हेड्स, सीईसी मेंबर्स, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी सभी आरकावा हेड्स, कावा परिवार के सदस्यों तथा अधिकारीगण एवं कार्मिकों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कावा के वर्ष 2022-23 के लिए जारी किए गए वार्षिक गतिविधियों के कैलेंडर के सेकंड टॉपिक साइबर बुलिंग पर लेक्चर सीरीज का आयोजन वेबिनार के माध्यम से कर रहे हैं। COVID-19 के कारण लॉकडाउन तथा ऑनलाइन क्लासेस होने के कारण स्कूल चिल्ड्रन ने इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा किया, वो साइबर बुलिंग के केस भी बढ़ते चले गए, जिस कारण छात्रों की किसी न किसी तरह की साइबर बुलिंग के शिकार होने की खबरें आती रही। साइबर बुलिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके दूसरों को धमकाता है, किसी के खिलाफ दुर्भावना से अफवाहें फैलाना, नफरत फैलाना या बदनाम करना भी इसी श्रेणी का अपराध है। इंटरनेट के माध्यम से गलत फोटो, गलत भाषा या फेक न्यूज आदि का इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति को डराना, धमकाना, उसे टॉर्चर करना या उसे गलत दिशा में भटकाना आदि साइबर बुलिंग के तहत आता है। आजकल सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर साइबर बुलिंग सबसे आम खतरों में से एक है, जिसका सामना युवाओं से लेकर बच्चे तक हर रोज कर रहे हैं। यह एक ऐसा अपराध है जो आजकल की इस डिजिटल दुनिया में किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन साइबर क्राइम के बारे में जानकारी के अभाव के कारण इसकी चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं। आज के युवा जो ज्यादातर समय इंटरनेट पर ही बिताते हैं, उनको साइबर बुलिंग एंड क्राइम के बारे में सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे किसी प्रकार का अपराध में शामिल ना हो सके तथा अपने साथ किसी प्रकार के अनुचित व्यवहार या किसी असामान्य दुर्घटना को होने से रोक सके। मैंने सीआरपीएफ के क्षेत्रीय कावा केंद्र में इस विषय पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों को सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, जिसके लिए सभी रीजनल कावा हेड्स बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण योगदान से सीआरपीएफ के जवानों अथवा अधिकारियों के माध्यम से इस विषय पर लेक्चर ऑर्गेनाइज करवाकर अपने क्षेत्र में रह रहे परिजनों को जानकारी प्रदान की। आज के विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए डॉक्टर रक्षित टंडन
आज हमारे साथ इस विषय पर विस्तृत जानकारी तथा अपने अनुभव साझा करने के लिए ऑनलाइन जुड़े हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके विचारों एवं अनुभव से हम सभी लाभान्वित होंगे। अंत में आप सभी को क्रिसमस डे एवं नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर इस माह के दौरान सीआरपीएफ के विभिन्न क्षेत्रीय कावा केंद्रों में भी कई सेमिनार आयोजित करवाए गए हैं तथा सभी व्यक्तियों को इस संदर्भ में जागरूक किया गया है। आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है उन क्रियाकलापों की एक झलक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से। नेक्स्ट। ये पूरे देश में फैले हमारे जितने भी अलग अलग रीजनल कावा हैं, ये उनके द्वारा ये प्रोग्राम कराया गया है। ग्रुप सेंटर अगरतला, ग्रुप सेंटर भोपाल, ग्रुप सेंटर बिलासपुर, ग्रुप सेंटर बेंगलुरु, ग्रुप सेंटर दुर्गापुर, ग्रुप सेंटर हैदराबाद, ग्रुप सेंटर इम्फाल, ग्रुप सेंटर रामपुर, ग्रुप सेंटर काठगोदाम, ग्रुप सेंटर नागपुर, ग्रुप सेंटर ग्रेटर नोएडा, ग्रुप सेंटर मुजफ्फरपुर, ग्रुप सेंटर ग्वालियर, ग्रुप सेंटर पिंजौर, ग्रुप सेंटर सिलीगुड़ी, थर्ड सिग्नल बटालियन कोलकाता, ग्रुप सेंटर श्रीनगर, फिफ्थ सिग्नल बटालियन चंडीगढ़, 100 RF बटालियन, 104 RF बटालियन, 108 RF बटालियन, 114 RF बटालियन, 203 कोबरा बटालियन, 204 कोबरा बटालियन, 205 कोबरा बटालियन, 207 कोबरा बटालियन, RTC पेरिंगोम। थैंक यू सो मच। तो ये इस विषय पे अलग अलग रीजनल कावा पे वहाँ के जो भी नॉन साइबर एक्सपर्ट्स थे उनके द्वारा ये लेक्चर सेमिनार कराया गया है। और अब वक्त जाया न करते हुए मैं सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर में उपस्थित इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती रीता रावत, पत्नी श्री सतपाल रावत, आईजी एंड ज्वाइंट डायरेक्टर सीआरपीएफ एकेडमी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज के विषय पे व्याख्यान देने के लिए की नोट स्पीकर डॉक्टर रक्षित टंडन का संक्षिप्त परिचय वेबिनार के माध्यम से जुड़े सभी सदस्यों एवं कार्मिकों से कराएं। साथ ही आज के महत्वपूर्ण विषय पे अपने विचार एवं प्रेजेंटेशन रखने के लिए उनसे आग्रह करें। ओवर टू श्रीमती रीता रावत, सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर। रीता रावत, कोऑर्डिनेटर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिवार कल्याण संगठन के वार्षिक कार्यक्रम के तहत साइबर बुलिंग पर आयोजित आज के कार्यक्रम में कावा अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर अजीता संधू, उपाध्यक्ष श्रीमती स्मिता अग्रवाल, सीसी मेंबर, वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, श्रमिकों व समस्त परिवार सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की महत्व व उसके साइड इफेक्ट से हम सभी भली भांति परिचित। COVID-19 ने पेंडेमिक पे जहां एक तरफ ऑनलाइन शिक्षा की एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है, वहीं दूसरी तरफ उसके ढेर सारे दुष्परिणाम हम सब देखते हैं। आज के बच्चे जहां बड़ी आसानी से इंटरनेट फ्रेंडली हो रहे हैं, वहीं ना जाने अनजाने कई प्रकार के दुष्प्रभाव का शिकार भी आसानी से हो रहा है। इसकी तकनीकी भाषा में साइबर बुलिंग कहा जाता है। खैर, आम होती ही जा रही है साइबर बुलिंग को सरलतम अर्थों में स्पष्ट किया जाए तो कहा जाता है अभद्र अश्लील भाषा, जिसको तथा धमकियों से इंटरनेट पर किसी को परेशान करना। आज इसी तथ्य की विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर रक्षित टंडन जी का मैं परिचय कराना चाहती हूँ। डॉक्टर रक्षित टंडन जी हमारे देश के प्रसिद्ध नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साइबर फॉरेंसिक एथिकल हैकिंग क्राइम एक्ट इन्वेस्टिगेटर हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर इनके पास 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। इस दौरान इन्होंने 55 लाख से ज़्यादा लोगों का साइबर सिक्योरिटी विभिन्न खतरों व बचाव से अवगत कराया। बच्चों के साइबर हाइजीन के संदर्भ में आपने ये विशेषता हासिल, विभिन्न विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूलों में
नियमित रूप से आप साइबर सिक्योरिटी और हाइजीन तथा सेफ सर्विंग के ऊपर व्याख्यान देते रहे। यूनिसेफ के द्वारा दी गई चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन इन इंडिया के ऊपर अध्ययन में इसका बहुत योगदान रहा है। डॉक्टर टंडन डीपीआरएनडी एमएचए में साइबर फॉरेंसिक और क्राइम इन्वेस्टिगेटर की विजिटिंग फैकल्टी है। वे सीआईटी हरियाणा पुलिस में साइबर क्राइम सलाहकार के तौर पर भी कार्यरत हैं तथा विभिन्न राज्यों में साइबर सेल स्थापित करने पर श्रेय भी इनको जाता है। हमारे देश में विभिन्न पुलिस संगठनों के अनेक गंभीर साइबर क्राइम केसों को हल करने में इनका सक्रिय योगदान रहा। डॉक्टर टंडन को इंडियन पुलिस फाउंडेशन की मंत्र सदस्य दी गई है। वे विभिन्न साइबर क्राइम इंटर्नशिप कार्यक्रम में मेंटर के रूप में भी कार्यरत हैं। हमें यह बताते बहुत खुशी हुई है कि आज डॉक्टर रक्षित टंडन जी साइबर बुलिंग के विषय में हम सबको ज्ञानवर्धक करें। अब मैं कार्यक्रम के अग्र संचालक के रूप में डॉक्टर रक्षित टंडन को आमंत्रित करना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नमस्ते ऑफिसर्स, लेडीज एंड रिस्पेक्टेड डीजी मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू एजुकेट एंड अवेयर पीपल। और जो हमारा मेन सब्जेक्ट है साइबर सुरक्षा, साइबर बुलिंग, जैसा मैम ने बताया कि बच्चे किस तरह से इसका बहुत आसानी से शिकार होते हैं, और स्पेशली कोविड में जहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन्ड कह लीजिए या मतलब कुछ ज़्यादा ही टाइम मिल गया इंटरनेट पे, उनका स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया कि समस्याएं भी बढ़ गई। मेरा अभी जब से ये कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद जब से मैंने स्कूलों में जाना शुरू किया है तो नई तरह की समस्याएं बच्चों के साथ मिल रही हैं। उनका गेम की प्रति इतना भयंकर रुझान हो गया है कि वो ऑनलाइन गेमिंग से हटते नहीं हैं, और उस गेम से एक एक नई समस्या पैदा हो रही है जहाँ हमारे सामने ऐसे मामले आ रहे हैं कि जब वो मम्मी पापा के फोन पे गेम खेलते हैं तो वो गेम्स के अंदर पैसा खर्च करते हैं, अनकंट्रोल्ड पैसा जो पता ही नहीं चलता है कि वो कैसे कट गया, और इस तरह के मामले आए। तो आज मैं सेशन के माध्यम से आप सबको इन सारी समस्याओं के बारे में बताऊंगा, कानून के बारे में बताऊंगा, कोई घटना घट जाए तो उससे कैसे बचना है ये बताऊंगा, और जो सबसे पहला हमारा मुद्दा है वो है अपनी डिवाइस, अपने मोबाइल और अपने डेटा की सुरक्षा करना। तो इन तीनों के साथ मैं स्टार्ट करूंगा, और मैं वैसे तो बहुत धीमी गति से चलूंगा, लेकिन अगर कहीं भी आपको लगे मुझसे कुछ पूछना है तो आप फौरन मुझे रोक के कहीं से भी पूछ सकते हैं। मेरा परिचय आप लोगों ने सुनी लिया, मैं 3 दशकों से इस क्षेत्र में हूँ, और मैं पिछले 5-10 साल से आईएसए माउंट आबू और अपनी सीआरपीएफ एकेडमी में अपने ऑफिसर्स और अधिकारियों को ट्रेनिंग सेशंस देता रहता हूँ। बल्कि 2009-10 से मैं माउंट आबू जा रहा हूँ रेगुलरली, आईएसए माउंट आबू, और गुड़गांव भी हमारी जो अकेडमी है उसमें मैंने कई प्रशिक्षण किए हैं। मैं पीस फाउंडेशन में से जुड़ा हुआ हूँ, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। अभी स्पेशल पुलिस एक्ट में 2 साल पहले हमें सीआईडी में नियुक्त किया गया एज अ सलाहकार, और उसके साथ साथ मैं डीपीआरएनडी में करीब 17 राज्यों की जो अकेडमीज है वहाँ पे प्रशिक्षण देता हूँ। बच्चों से बड़ा प्यार है मुझे, तो मैं अब तक 55 लाख बच्चों से करीब 50,000 स्कूलों में हिंदुस्तान में जा चुका हूँ, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक। मैं बच्चों को 3 चीजों पर बात करता हूँ, साइबर हाइजीन, नेटिकेट और डिजिटल सिटीजनशिप। क्या मेरा बच्चा जो है वो डिजिटल नागरिक है, गेम ऑनलाइन खेलता है, उसकी पढ़ाई ऑनलाइन होती है, उसकी दोस्ती ऑनलाइन होती है, और वो मम्मी से खाना नहीं मांगता है, वो जोमेटो दबा देता है, अगर मम्मी बिजी हो जोमेटो और स्विगी से उसका खाना आ जाता है, और वो शॉपिंग भी ऑनलाइन करता है। तो वो कहने में एक तरह से प्योर डिजिटल नागरिक है। हम जो बड़े लोग हैं तो अभी भी डेटा माइग्रेंट्स हैं, तो आज भी ऑफलाइन काम कर लेते हैं, लोगों से मिल आते हैं और बात कर लेते हैं, लेकिन बच्चे का जो सारा रुझान है वो ऑनलाइन है, तो इसलिए उनसे बात करना बहुत अच्छा होता है। हमारी चुनौतियां क्या है आज की तारीख में, हमारी चुनौतियां जो मेन अभी जो बताया गया साइबर बुलिंग, इसको मैं बहुत सारे आपको आयाम बताऊंगा। अगर हम बच्चों से और बड़ों तक की बात करें, बच्चों की पहली समस्या अजनबी से दोस्ती कर लेते हैं, भाषा का कोई ज्ञान नहीं है, कोई भी भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी ने नहीं बताया कि कानून क्या है, साइबर लॉ क्या है। बहुत दुखद घटना हुई थी आज से 2 साल पहले लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के अंदर। अच्छा, माफी चाहेंगे इस ग्लिच के लिए। तो हम बात कर रहे थे साइबर बुलिंग की, और हमने बताया कि 2 साल पहले
एक बहुत दुखद घटना हुई दिल्ली के अंदर, जब साउथ दिल्ली के करीब 22 बच्चों को दिल्ली साइबर सेल ने पूछताछ के लिए बुला लिया, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बना के बच्चों ने बहुत अभद्र भाषा में बात करी, कुछ गंदी तस्वीरों को शेयर किया। उसमें जो सबसे छोटा बच्चा था वो मात्र 15 साल का था, और ये सब 9th और 10th कक्षा के बच्चे थे, और इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था बॉयज लॉकर रूम। और इस ग्रुप की वजह से इन 22 बच्चों को एप्रीहेंड किया और कानूनी कार्रवाई हुई और इन लोगों को काउंसलिंग के लिए भेजा गया। ऐसी कई दुखद घटनाएं सामने आती हैं जब बच्चे ये बिना जाने हुए एक नकली आईडी बना लेते हैं, कुछ गंदी तस्वीरें भेज देते हैं, और अब तो कुछ ऐसे मामले आने लगे हैं जो साइबर बुलिंग में अपने दोस्तों को छोड़ वो टीचर और अध्यापकों की भी हंसी मजाक करते हैं और गलत मीम्स बनाते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि फेक आईडी बनाना आईटी अपराध है, गंदी भाषा का प्रयोग करना आईटी अपराध है। तो इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों में डिजिटल नागरिकता के बारे में उन्हें सक्षम करना। सोशल मीडिया पे बहुत अपराध हो रहे हैं बच्चों और महिलाओं के प्रति। और दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने वो है आपके डिवाइसेस, यानी कि आपके मोबाइल फोन। और अब चूंकि हम फोन में डेटा नहीं रख रहे हैं, आपका सारा डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली क्लाउड में चला जाता है। आप दो तरह के फोन आजकल सबसे ज्यादा चलते हैं, एंड्रॉइड और एप्पल, और ये दोनों फोन ऑटोमेटिकली क्लाउड से जुड़े रहते हैं। क्लाउड जब मैं मुंह से बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मेरे पास सैमसंग का फोन है, उसमें जिस दिन मैंने ऑन किया एक जीमेल आईडी डाली, जिस दिन मैंने जीमेल आईडी डाली उस दिन गूगल के घर में एक कमरा बन गया और मेरी जीमेल आईडी से जुड़ गया। अब मैं अपनी फोन में फोटो खींचूं, मैं कोई मैसेज डाउनलोड करूं या कोई फोन नंबर सेव करूं, उसकी कॉपी ऑटोमेटिकली मेरे क्लाउड में चली जाती है। अगर कोई मेरा जीमेल का पासवर्ड चोरी कर ले तो वो मेरे फोन का सारा डेटा देख सकता है, वो मेरी निजी तस्वीरें हो या वो मेरे मैसेजेस हो। तो इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है मोबाइल हैकिंग। तो इससे कैसे बचें? और डिजिटल इकोनॉमी है साहब, अब तो बाहर सब्जी वाला जो है वो भी QR कोड से आपको सब्जी दे रहा है, पेटीएम रख रहा है, गूगल पे रख रहा है। तो इसलिए आपको अपने इस डिजिटल पैसे को कैसे सुरक्षित रखना है, ये गूगल पे पेटीएम बहुत पावरफुल चीज है, इतनी पावरफुल है कि विदेशी लोग हिल गए इस बात से कि हिंदुस्तान में UPI इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। लेकिन अगर जानकारी ना हो और प्रॉपर ज्ञान ना हो तो धोखा भी इससे बड़ी जल्दी हो सकता है, तो उससे कैसे निपटा जाए। तो इस पूरे श्रृंखला में हम काम करेंगे, शुरुआत करेंगे कि ये जो हैकिंग है ये कैसे होती है। एक नाम बड़ा आप लोगों ने सुना होगा, और नहीं सुना है तो सुन ले, इसको नाम फिशिंग दिया गया है। फिशिंग मतलब कि कांटा फेंका मछली फंस गई, और ये अपराध बहुत ज्यादा इस समय पॉपुलर है। मेरे पास रोज की करीब 100 कंप्लेंट्स हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे कि साहब मेरा खाता हैक हो गया और मेरे खाते से लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पे मैसेज आ रहा है कि मैं बीमार हूँ मुझे पैसा दे दो, या उस पे गलत खबर फैला रहे हैं आपके सोशल मीडिया को हैक करके। बड़ा आसान होता है ये करना, हैकर आपको एक नकली मेल भेजता है, ये मेल देखने में बिल्कुल असली लगती है। ये देखिए एक सामने मेल आई अभी फेसबुक से कि साहब अपना खाता अपडेट कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, एक डरावना मैसेज आया वो भी एक बच्ची के पास या महिला के पास, और उसका नाम लिखते हुए, ओ माई गॉड रश्मि मैंने आपकी एक गलत वीडियो देखी। अब रश्मि जी तो घबरा गई, भैया कौन सा वीडियो कहाँ चला गया। जैसे ही आप इन बटन्स को दबाएंगे आपकी आंखों के सामने हूबहू एक नकली वेबसाइट खुल जाएगी। डिजाइन बिल्कुल सेम होगा, वेबसाइट का लोगो, उसका स्क्रीन, सब कुछ बिल्कुल 100% सेम होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ऊपर स्पेलिंग गलत है साहब, फेसबुक के अंदर 00 और डबल K लगा हुआ है, स्पेलिंग गलत है। अच्छा, हमारी जो आंखें हैं वो इतने छोटे अक्षरों पे कभी ध्यान नहीं देती है, हमारी टेक्निकल भाषा में इसको URL बोला जाता है। मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ घटना, ये घटना मेरे साथ घटी अभी, ये मेरे पास एक मेल आया था, आप मेरी ईमेल अभी देख पाएंगे, ये एक ईमेल हमारे पे भेजा गया हमें हैक करने के लिए, और इस मेल में ये लिखा था, इंस्टाग्राम से आया था, हेलो मिस्टर रक्षित टंडन, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है, हम तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर देंगे, तुमने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है और फौरन इस अपील बटन को दबाएं। अब आम मजा की जिंदगी में जब ऐसा मैसेज हमारी ईमेल पे आता है तो हम फौरन बटन दबाते हैं कि भाई
क्यों अकाउंट डिलीट कर रहे हो मेरा, मैंने ये काम नहीं किया। मैंने जब ऊपर ईमेल आईडी पढ़ी तो पहली बात तो वो बड़ी संदिग्ध थी, उसका इंस्टाग्राम से लेना देना नहीं था। फिर मैंने बड़ी होशियारी से इस बटन का सिर्फ लिंक कॉपी किया। ध्यान से सुने मैंने क्या किया, मैंने इसे दबाया नहीं, मैंने कहा कॉपी लिंक। अब यहां मैं आपको सक्षम करूंगा, एक चीज सिखाने जा रहा हूं, ये बड़ी मदद करेगी आपको इन हैकर से बचाने में। एक वेबसाइट सिखा रहा हूं मैं, virustotal.com। क्या नाम है साहब? virustotal.com। आप इसे चुपचाप खोल लें और इसमें आप ये एक समझ लो, हिंदी भाषा में ये MRI मशीन है इंटरनेट की। किसी फाइल को और किसी लिंक को तुम्हें जांच करनी हो कि वो सेफ है या नहीं। अभी आपने एक दुखद घटना सुनी होगी, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर हैक हो गए। एक हैकर ने कोई गलत फाइल भेजी, हमारे किसी मुलाजिम ने उस गलत फाइल को क्लिक किया और सारे सर्वर बंद हो गए। ये बड़ी दुखद घटना थी, लेकिन इसका कारण था लैक ऑफ साइबर हाइजीन, मतलब साइबर हाइजीन की कमी होना। अब हम यहां से फाइल की भी निरीक्षण कर सकते हैं और लिंक की भी। मैंने चुपचाप वो जो नकली मेल आई थी उसका लिंक यहाँ पेस्ट किया। जैसे ही पेस्ट किया तो बड़ा अजीब सा लिंक है, बहरहाल मैंने एंटर दबाया। जैसे ही एंटर दबाया MRI मशीन ने हमें बताया लाल रंग से कि भाई इसमें 6 चुनौतियां पाई गई। और जरा नीचे पढ़े अंग्रेजी में चुनौती के नाम क्या है, फिशिंग 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 फिशिंग, और अंग्रेजी में लिखा है मलेशियस मलेशियस मलेशियस, मतलब इसमें वायरस है। ये लिंक पे अगर तुमने क्लिक किया तो तुम हैक हो जाओगे। तो पार्टिसिपेंट, ये एक लिंक हमेशा हमारी मदद करेगा। अगर तुम्हें कोई लिंक, और सुनो आजकल ये लिंक ईमेल से हटके SMS पे आ चुके हैं, तुम पे SMS आएगा, तुम्हारा खाता आज रात को बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारी KYC नहीं हुई है, या फिर एक बड़ा डरावना मैसेज आएगा, तुम्हारी आज रात को बिजली काट दी जाएगी, फौरन इस लिंक पे क्लिक करो, या फिर एक बड़ा खूबसूरत मैसेज आएगा, तुम लकी विनर हो, कौन बनेगा करोड़पति से, तुम्हें 25 लाख रुपए की लॉटरी मिली है। खबरदार अगर आप इन किसी मैसेज से खुश हुए और आपने इन्हें क्लिक किया। अब मैंने आपको एक नया औजार सिखा दिया है, ये हमेशा आपके साथ रहेगा। इनका नाम है virustotal.com। अब आपको किसी ने एक वेबसाइट दी, बोले ये वेबसाइट खोलो rakshittandon.com, तो हम नहीं खोलेंगे, हम पहले यहाँ लिखेंगे, इसे एंटर दबा के स्कैन करेंगे। अब हमें रिजल्ट मिला कि साहब ये बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई, और नीचे रिपोर्ट देखेंगे तो सब में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्लीन क्लीन क्लीन, मतलब मामला बिल्कुल साफ है, आप इस वेबसाइट को बिना डर के खोल सकते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ये जो ईमेल थी, ये मेरे पास जो आई वो एक नकली मेल थी, और अगर मैंने इसे क्लिक कर दिया होता तो मेरा इंस्टाग्राम हैक हो जाता और मेरे इंस्टाग्राम पे कोई नकली खबर चला दी जाती। आजकल एक नकली खबर जो चल रही है वो चलती है, मैंने क्रिप्टो में पैसे लगाए थे, मेरे पैसे 4 गुना हो गए, तुम भी अपने 4 गुना कर लो। तो खबरदार आप ये क्रिप्टो और ऐसे किसी मैसेज में फंसे तो पहली घटना तो हो गई फिशिंग। अब आइए दूसरी बात, अपने डिवाइस को कैसे प्रोटेक्ट करें। देखिए भाई, एक दुखद घटना बता दें आपको, आजकल हैकर्स के पास तुम्हारा सारा डेटा है। कुछ खबरें दिखाऊंगा, देखते चलेंगे। डोमिनोज का 18 करोड़ लोगों का डाटा चोरी हो गया था और ये सारा डाटा जो है इंटरनेट पे डाल दिया गया। तो अगर तुमने जिंदगी में कभी भी डोमिनोज से पिज्जा मंगाया है तो तुम्हारा नाम, तुम्हारे घर का पता और कौन सा वाला पिज्जा खाते हो, फार्म हाउस या वो मार्गरीटा, और कितने रुपए खर्च कर चुके हो, ये सारी जानकारी जो है ये कहीं ना कहीं इंटरनेट पे पड़ी हुई है। बिग बास्केट खूब हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों का राशन मंगाने के लिए। बिग बास्केट का 2 करोड़ हिंदुस्तानियों का डेटा हैकर ने चुरा लिया और चुरा के इंटरनेट पे डाल दिया। कहने का मतलब, आज हैकर डेटा को हथियार की तरह यूज करता है। हम पे फोन आया, रक्षित जी बोल रहे हैं, मैंने हाँ साहब, कल रात को आपने 10 बजे डोमिनोज से ये वाला पिज्जा मंगाया था, मैंने हाँ, इतने रुपए दिए थे, मैंने हाँ, इस पते पे मंगाया था, मैंने हाँ, कांग्रेचुलेशन साहब, मुबारक हो, आप हमारे डोमिनो के 111वें लकी कस्टमर हैं, आपको महिंद्रा XUV मिलती है, आप कृपया अपना इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन का पैसा जमा करें, गाड़ी हमने यहाँ से निकाल दी है। तो अब आप सोचिए, मैं बिल्कुल धोखा खा जाऊंगा, क्योंकि उस आदमी ने मेरा विश्वास जीत लिया, उसको मेरा नाम पता था,
उसको मेरे पिज्जा का नाम पता था, क्यों? क्योंकि डेटा तो ऑलरेडी चोरी हो चुका है। तो इसलिए आज हम लोगों को एक चीज सीखनी है साइबर हाइजीन में, वो ये है कि पहली बात तो हम पासवर्ड जो है वो बिल्कुल अलग रखते हैं, सबके डिफरेंट होने चाहिए। मतलब हमारी गलती ये होती है हमारे सारे पासवर्ड सेम है साहब, हमने मेहनत करी नहीं पासवर्ड रखने में। तो मान लो उदाहरण के तौर पे मेरा डेटा बिग बास्केट में चोरी हुआ और उसमें मेरा पासवर्ड चोरी हो गया, अगर हैकर मेरा पासवर्ड जीमेल पे वो सेम पासवर्ड डाल दे तो क्या वो मेरा मोबाइल हैक कर सकता है? आंसर है हाँ। तो जरा हैक करके देखें, टंडन साहब का फोन हैक करना है मुझे, मुझे टंडन साहब का पासवर्ड पता है। तो देखिए साहब, मैं इनके फोन में घुस गया, इसको कहते हैं एंड गूगल क्लाउड। अब इसमें मैं देख सकता हूँ इनके पास 200 फाइलें हैं गूगल ड्राइव में। ये विवेक बिहार नोएडा से पहुंचे हैं यहाँ पे, इनकी लोकेशन आ गई, इनकी फोन में 30,000 तस्वीरें हैं। कितनी? 30,000। मैं सारी देख सकता हूँ, और तो और इनकी सारी ईमेल पढ़ सकता हूँ, और इनके फोन में कितने बैकअप हैं वो देख सकता हूँ, और इनके फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इनके क्लाउड में घुस गया। तो इन सब मुसीबतों से बचने का तरीका क्या है कि को कल को मेरा पासवर्ड अगर चोरी हो भी जाए तो हैकर मेरे ना फोन में घुस पाए ना मेरा डेटा देख पाए। तो सीखिए, इसका एक ही आंसर है अपने एंड्रॉइड या एप्पल या किसी भी फोन को सुरक्षित रखने का, वो कहलाता है टू स्टेप वेरिफिकेशन। मतलब अब हम पासवर्ड पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, पासवर्ड चोरी हो रहे हैं, पासवर्ड इतने आसान रख लेते हैं लोग, फिर कहते हैं साहब मैं हैक हो गया। हम एक संस्था में गए, हमने साहब बताओ अपना पासवर्ड बताओ, बोले साहब हमारी आईडी हैक हो गई। मैंने पासवर्ड क्या था? बोले मेरा मोबाइल नंबर। अब बताइए साहब मैं उसमें क्या मदद करूं उनकी। दूसरे सज्जन का फोन आया, बोले टंडन साहब मेरा फेसबुक हैक हो गया है, मदद करो। मैंने साहब जल्दी से पासवर्ड बताओ, बोले साहब जय माता दी। मैंने हो गया काम, मैंने आप एक काम करो कुछ मत करो आप। कहने का मतलब ये है हम लोगों ने पासवर्ड को कभी सीरियसली नहीं लिया। पहली चीज पासवर्ड डिफरेंट और स्ट्रॉन्ग हो, और दूसरी चीज अब पासवर्ड भूल जाओ, पुरानी चीज हो गई, अब हम अपने खातों में डबल ताले लगाएंगे। तो ये देखिए बड़ा आसान होता है लगाना, अगर आप मोबाइल फोन पे बैठे हैं तो अपनी सेटिंग्स में जाइए, वहां गूगल लिखा होता है, गूगल में जीमेल आईडी दी होती है आपकी, उस जीमेल आईडी के नीचे लिखा होता है मैनेज योर गूगल अकाउंट। जैसे ही आप ये मैनेज का बटन दबाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा सुरक्षा, इंग्लिश में लिखा होगा सिक्योरिटी, उसमें आप नीचे आएंगे तो वहां लिखा होगा टू स्टेप वेरिफिकेशन, आप इसे ऑन कर लो। ऑन कर लिया, अब इसका मतलब ये है मेरी आईडी के बाहर दो चौकीदार खड़े हुए हैं, पहला पासवर्ड वो तो बेकार है, वो तो हैक हो जाता है, चोरी हो जाता है, लेकिन जो दूसरा चौकीदार है वो बहुत समझदार है, वो कहता है लाओ ओटीपी दो, और वो ओटीपी सिर्फ तुम्हारे डिवाइस पे भेजता है। जब तक दो ओटीपी साथ में नहीं डलेगा मेरे घर में कोई घुस नहीं सकता, मेरी आईडी सुरक्षित हो गई। मैं इसे लाइव करके दिखा देता हूँ। हम एक काम करते हैं जीमेल खोले लेते हैं, सभी के पास आजकल एंड्रॉइड फोन होता है, जीमेल के अंदर जब आप देखेंगे सीधे हाथ पे आपका जहाँ नाम लिखा होता है गोले में, आप वहां क्लिक करिए, उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा होता है मैनेज योर गूगल अकाउंट, आप इसमें चले जाइए, यहाँ पे आपको सुरक्षा दिखाई देता है सिक्योरिटी, आप इसमें चले जाइए, और इसमें नीचे लिखा होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन, आपने इसे ऑन करना है। एक बार आपने ये ऑन कर लिया तो आपका ये गूगल अकाउंट का कोई मिसयूज नहीं कर सकता, मेरा डेटा कोई हैक नहीं कर सकता, और मेरी आईडी डबली सुरक्षित हो गई। ये सेम काम आप एप्पल पे कर सकते हैं, अगर मेरे पास एप्पल फोन है तो मैंने एप्पल आईडी खोली, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में गया, और वहां अंग्रेजी में लिखा होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपने इसे ऑन कर दिया, आपकी आईडी सुरक्षित हो गई। अब क्या ये घटना सोशल मीडिया पे भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, आजकल इंस्टाग्राम भी हैक हो रहा है, फेसबुक भी। तो देखिए साहब मैं इंस्टाग्राम खोले लेता हूँ, बच्चों को भी बहुत पसंद है इंस्टाग्राम और बड़े भी चलाते हैं, तो हमने इंस्टाग्राम खोला अपना। जब हमारा इंस्टाग्राम का खाता खुल गया तो आप वहां कोने में देखेंगे एक बटन बना होता है सेटिंग्स का, ये छोटा सा चक्र बना होता है, आप इस चक्र पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको एक शब्द मिलेगा सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन,
आप इसको भी ऑन कर लीजिए। अब आपका इंस्टाग्राम कोई हैक गलती से अगर आपने अपना पासवर्ड किसी चोर को दे भी दिया तो भी वो आपके इंस्टाग्राम में घुस नहीं पाएगा, आपका इंस्टाग्राम सुरक्षित हो गया। सेम कहानी फेसबुक के साथ होती है। ये देखिए हमने फेसबुक खोला अपना, फेसबुक में सीधे हाथ से आपको एक सेटिंग्स का बटन दिखाई देगा, सेटिंग्स के अंदर फिर से वही ऑप्शन दिखाई देगा सिक्योरिटी एंड लॉगिन, और वहां पे आपको दिखेगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये जैसे हमारा फेसबुक खुल गया, इसमें आप सीधे हाथ से आइए नीचे, यहाँ लिखा हुआ है सेटिंग, सेटिंग्स में फिर से लिखा हुआ है सेटिंग, और इन सेटिंग्स के अंदर आपको ये शब्द दिखाई दे रहा है सुरक्षा एंड लॉगिन, और इस सुरक्षा एंड लॉगिन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है अंग्रेजी में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप देखिए नीले रंग से ऑन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, अगर अभी कोई मेरा फेसबुक का पासवर्ड चोरी कर ले वो मेरे फेसबुक में नहीं घुस पाएगा, जैसे ही वो घुसेगा वो उसे रोक देगा, वो कहेगा लाओ ओटीपी बताओ, और वो पासवर्ड मेरे रजिस्टर्ड फोन पे आएगा, किसी और फोन पे नहीं आ सकता वो, और इससे मेरा खाता सुरक्षित हो गया। तो आज हमने यहाँ पे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट सीखी है, बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी और बड़ों के लिए भी, कि भाई अपना पहले तो फोन सुरक्षित करो, और सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल डेटा। साइबर बुलिंग कितने तरीके से हो रही है, स्टॉकिंग, कोई मेरे पीछे पड़ गया, उसने मेरी आवाज सुनी, मेरी तस्वीर देखी, अब वो कह रहा है मेरा दोस्त बनो, बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ फिर भेज रहा है, फिर मुझे गंदे गंदे मैसेज भेज रहा है, व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर रहा है। देखिए भाई आज की तारीख में हमारे पास एक बहुत अच्छा साधन है रिपोर्ट एंड ब्लॉक करने का, यहाँ तक कि अब तो मोबाइल में भी ये फीचर आ गया है, फोन और व्हाट्सएप दोनों में आप इमीडिएट ब्लॉक करें। बच्चों को नर्सरी में सिखाया जाता था अंग्रेजी में डेंजर इज डेंजर, अगर ये बात बच्चे ऑनलाइन भूल जाएं तो बड़ा खतरनाक है, क्यों, बच्चों के ऑनलाइन भाई साहब 500 फ्रेंड होते हैं और उनके नाम इतने प्यारे प्यारे होते हैं कि हम तो पहचान ही नहीं पाते हैं कि वो कौन से प्लैनेट से आए हैं। उनका नाम रक्षित टंडन नहीं होता है, उनका नाम सार्थक नहीं होता है, उनका नाम होता है कूल बॉय अंडरस्कोर 16, एक का नाम होता है डेविल 360, एक का नाम होता है प्रिंसेस एंजल, और ये पता भी नहीं होता है कि इन आईडी के पीछे कौन बैठा है। तो हमें बच्चों को ये लाइन दोबारा रिपीट करानी है, डेंजर इज डेंजर, मतलब ऑनलाइन हमें अजनबियों से बात नहीं करनी है, रिपोर्ट और ब्लॉक करना है। एक समस्या बहुत ज्यादा तंग करती है साइबर बुलिंग में, फेक आईडी बनाना। मैंने रीता मैडम की तस्वीर ली और मैंने रीता मैडम के नाम से इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया और फेसबुक पे, और आपके सारे लेडीज को मैसेज भेज दिया, अब सब मैडम आईजी का मैसेज आया है, नमस्ते मैडम कहते हैं, और उसमें मैंने कुछ भी लिख दिया। इसे कहते हैं फेक आईडी बनाना। इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, सबसे पहले अपनी जो पर्सनल आईडीज हैं, आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसको लॉक करो, अपनी प्रोफाइल फोटो सिर्फ ओनली फ्रेंड्स करो, ओनली फ्रेंड, सिर्फ आपके मित्र देख सकते हैं। हमारी गलती हो जाती है, हम अपनी फोटो एवरीवन कर देते हैं, अब एवरीवन में तो कोई भी डाउनलोड कर लेगा और कोई भी रक्षित टंडन बन जाएगा, तो ये गलत है। सारे सोशल मीडिया, मैंने जब बोला सारे, ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक एक बहुत खूबसूरत ऑप्शन देते हैं, रिपोर्ट प्रिटेंडिंग टू बी मी, ये वाला ऑप्शन अगर आप दबा दें किसी नकली प्रोफाइल पे 2 मिनट के अंदर वो खत्म हो जाएगी। लॉकडाउन में मेरे पास रोज ऐसे केसेस आए, यहाँ तक कि अधिकारियों को नहीं छोड़ा, वर्दी वाली फोटो लगा के एक जूनियर सीनियर अधिकारी की फोटो लगा के एक जूनियर अधिकारी को मैसेज भेज दिया कि भाई हमारे यहाँ कोविड हो गया है, मैं अस्पताल में हूँ, जरा 50,000 रुपए भेज दो। अब वो जूनियर अधिकारी बेचारा जय हिंद सर, अभी भेज रहा हूँ सर, और उस बेचारे ने भेज दिया। बाद में पता चला वो प्रोफाइल अधिकारी की नहीं थी, वो एक नकली प्रोफाइल थी। इन सारे अपराधों से बचने का यही तरीका, लाइव करके देख लेते हैं। हमें सूचना मिली कि साहब फेसबुक के ऊपर किसी ने रक्षित टंडन की नकली प्रोफाइल बना दी है। तो रक्षित टंडन ने क्या करा, पहले तो वो रक्षित टंडन की नकली प्रोफाइल सर्च करी, जैसे ही हमें वो सर्च करी एंटर दबाया तो हम उसमें वो नकली खाता ढूंढेंगे जो रक्षित टंडन जी का किसी ने बनाया है। उदाहरण के तौर पे ये है, कोई हल्द्वानी में रहते हैं, इन्होंने रक्षित टंडन का नाम इस्तेमाल किया है, वो बात अलग है कि ये नकली नहीं है, बेचारा शरीफ है, हमारा नाम पे कोई कॉपीराइट नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, गलत मत करना। मैं यहाँ जाऊंगा रिपोर्ट का बटन दबाऊंगा,
रिपोर्ट में आपको एक शब्द दिखाई देगा पहली लाइन पे, प्रिटेंडिंग टू बी समवन। जैसे ही हमने ये दबाया, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मी, मेरा दोस्त या सेलिब्रिटी। क्योंकि मेरी नकली प्रोफाइल है तो मैं क्या दबाऊंगा यहाँ, मी। और आप जैसे ये मी दबाएंगे, जो फेसबुक की और इंस्टाग्राम और ट्विटर की टीम है वो चेक करेगी कि हाँ क्या वाकई ये नकली है, इसी की फोटो है, इसी का नाम है, अभी 2 घंटे पहले बनी है, और वो उसको ब्लॉक कर देंगे, वो आदमी आगे काम कर ही नहीं पाएगा। तो ये एक साइबर बुलिंग का बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है जो कई लोगों के साथ होता है। तस्वीरों को खराब करना, अकाउंट्स को हैक करके मिसयूज करना, बच्चों को बताइए साहब ये मीम्स और कन्फेशन जो पेजेस बना लेते हैं, पहली बात मैं अपनी संस्था का नाम और लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि मैं अधिकारी ना हूं। मतलब मैं एक स्कूल में पढ़ता हूं, मेरे स्कूल का नाम है रक्षित टंडन पब्लिक स्कूल, तो मैं रक्षित टंडन पब्लिक स्कूल का नाम और लोगो उसके प्रिंसिपल की परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकता। तो मेरे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो स्कूल का नाम ले लेते हैं, स्कूल का लोगो लगा देते हैं और उसके आगे लिख देते हैं कन्फेशन। वो अपने दिमाग में सोचते हैं इसे प्रैंक, कि हमको मजा कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन आई एम सॉरी, ये कोई प्रैंक नहीं है, ये कानून का उल्लंघन है। किसी को नेम ब्लेम करना, बॉडी शेम करना, मैं मोटा हूँ, मेरी फोटो बना के हिप्पोपोटामस के साथ लगा दी और ऊपर लिख दिया दोनों भाई साथ साथ, अब लोग हंस रहे हैं इससे, मेरा मजाक उड़ रहा है, मैंने खाना खाना छोड़ दिया, तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गया। इतना बच्चों में मेंटल ट्रॉमा होता है बुलिंग का कि मैं पता नहीं सकता, और कभी कभी बच्चे बहुत गलत स्टेप उठा लेते हैं। आजकल एक नया फॉर्म शुरू हुआ है बुलिंग का, मैंने क्लास का ग्रुप बनाया और रक्षित टंडन को क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं किया, अब वो रक्षित टंडन अंदर ही अंदर घुटे जा रहा है, सारे दोस्त देखता थे, मुझे बाहर निकाल दिया, क्यों, उसके लिए वो व्हाट्सएप ग्रुप इम्पोर्टेंट हो गया है। एक छोटी बच्ची ने स्कूल में हमसे कहा, सर मुझे कोई पसंद नहीं करता। मैंने, बच्चे ऐसा आपने क्यों कहा? मैंने, सर मैं जब भी फोटो डालती हूँ मेरी फोटो पे सिर्फ 4 लाइक्स आते हैं, मुझे डिप्रेशन हो जाता है। हंसने की बात नहीं है, ये बड़ी सीरियस मसला है, मेरे बच्चे आजकल सोशल करेंसी में जीने लगे, उनको लगता है कि इंटरनेट डिसाइड करेगा कि मैं अच्छा आदमी हूँ या बुरा आदमी हूँ। हमें इस आइस को तोड़ना है, हमें बच्चों को ये विश्वास दिलाना है कि भैया लाइक और कमेंट से जिंदगी नहीं चलने वाली है, आप अच्छे हो और आप जो अच्छा काम कर रहे हो उसको वैलिडेट करने के लिए माँ बाप है, स्कूल है और आपके मित्र हैं। ये 2 समस्याएं खतरनाक हैं जो मैं बहुत झेल रहा हूँ बच्चों के साथ और बड़ों के साथ भी। ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सटॉर्शन, सारे लोग सुन ले ध्यान से, आजकल एक नया मामला चल रहा है, कोई वीडियो कॉल करेगा तुमको, जैसे ही उठा लोगे, मैं ऐसे उठाता हूँ वीडियो कॉल, जैसे ही उठाऊंगा सामने का कैमरा ऑन, सामने एक गंदी तस्वीर आ रही है, उसमें फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, और उसके बाद वो एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल शुरू कर देता है, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। और बच्चों में तो एक नई बीमारी है, दोस्त बनाया ऑनलाइन। जरा एक कंप्लेंट सुनिए बच्चे की, सर मैंने एक ऑनलाइन फ्रेंड बनाया। मैंने, अच्छा सर हमारी दोस्ती हो गई। मैंने, बेटा व्हाट एज? बोले, सर वी वर इन अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। अंग्रेजी सुनो जरा बच्चे की, 14 साल का बच्चा, वो कह रहा है शिप, उसने बोट नहीं देखी, सीधे शिप में बैठ गया वो, और आगे कह रहा है कि सर हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारी शिप डूब गई, और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास, सुनो आगे जो सबसे खतरनाक बात है इस कहानी की, उसके पास मेरी निजी तस्वीरें हैं, मैंने खुद खींच के भेजी थी। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर, और आप एज पेरेंट और एज ऑफिसर इस बात की अहमियत को समझ रहे हो। ये एक सीरियस मुद्दा है। इंटरपोल की अभी एक रिपोर्ट ने हमें बड़ा डरा दिया। ये देखिए क्या कह रही थी वो रिपोर्ट, इंटरपोल और IWF की रिपोर्ट, ये कहती है कि 2021 मेरे बच्चों के लिए ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज के लिए सबसे गंदा साल था। ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ इंटरनेट पे, और जो बच्चे टारगेट किए गए 7 से 10 साल की उम्र के थे, और ये कंप्लेंट 1.5 लाख से बढ़ के 2,52,000 हो गई 1 साल के अंदर। तो इसका मतलब ये मामला सीरियस है। तो हमें बच्चों को यहाँ पे ये वाला शब्द सिखाना है, डिजिटल फुटप्रिंट कभी मिटते नहीं है। एक बार जो तस्वीर तुमने खींच के भेज दी, उसे कोई डिलीट नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत डिलीट नहीं कर सकती है। तो बच्चों को ये एजुकेशन देनी जरूरी है कि वो कोई ऐसी गलत तस्वीर ना खींचे और उसका शिकार ना हो। फिर आजकल एक ये साइबर बुलिंग में, आज ही एक केस आया है हमारे पास, उन्होंने 4.25 लाख रुपए लुटा दिए।
कोई ऑनलाइन दोस्त मिले उन्हें, लंदन का नंबर था, उन्होंने उनको महंगी गिफ्ट भेजी। गिफ्ट का नाम था लुई विटॉन, अरमानी, गुची, पराडा, राडो, रोलेक्स, और बोला कोरियर आ रहा है। और कोरियर वाला बोला कि कस्टम की ड्यूटी पे नहीं हुई है, हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, इसे स्मगलिंग कहते हैं। और वो डर गए और उन्होंने 4.5 लाख रुपए ड्यूटी के नाम पे जमा कर दिए। हनी ट्रैप, मैं अधिकारियों को बता दूं जो सुन रहे हैं, ये बहुत पुरानी समस्या है। हमारे दो पड़ोसी देश हैं जो बड़े परेशान हैं और हमें बड़ा परेशान करते रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ये महिलाओं के नाम पे नकली खाते बना लेते हैं और सोशल मीडिया पे हमारे अधिकारियों से दोस्ती कर लेते हैं, और दोस्ती करके उनको नकली लिंक भेज के और फोटो खराब करके और वीडियो खराब करके परेशान करते हैं और उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हम बता रहे हैं, दीज आर ऑल कंसंट्रेटिंग ऑन साइबर बुलिंग। करे तरीके दे, नए नए तरीके अपनाते हैं बचने का तरीका। पहले तो कुछ घटनाएं सुन ले बच्चों की। बॉयज लॉकर रूम में 22 बच्चे गिरफ्तार। एक लड़के को गिरफ्तार किया क्योंकि उसने अपनी ही क्लास छात्रा की गंदी तस्वीर इंटरनेट पर डाल दी। 22 बच्चों को गिरफ्तार किया गया, सबसे छोटा बच्चा 15 साल का था। तो ये जो खबरें हम देख रहे हैं ये अच्छी खबरें नहीं है। हमें बच्चों को भी और बड़ों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरनेट कोई उल्टी करने की जगह नहीं है कि हमें गुस्सा आ रहा, लाओ भाई उल्टी कर दो इंटरनेट से। पहली बात, आप कोई भी आईडी बना लो, आपका फुटप्रिंट कभी मिटता नहीं है। सोशल मीडिया पे आपको सुरक्षित रहना है और बच्चों की डिजिटल डाइट का ध्यान रखना है। डिजिटल डाइट, मैंने एक नया शब्द बोला, बच्चे क्या खाते पीते हैं उसका असर उनके दिमाग पे पड़ता है। एक बड़ी दुखद घटना हुई लॉकडाउन में, एक व्यापारी को 10 करोड़ के लिए ब्लैकमेल किया गया और उसके सारे फोन हैक कर लिए गए और उससे कहा गया कि अगर तुम 10 करोड़ नहीं दोगे तो तुम्हारे फोन का सारा डेटा पब्लिक कर दूंगा। पुलिस हैरान, सब हैरान। हैकर्स की टीम को लगाया गया, ट्रेस किया तो देखिए साहब क्या निकला, 11 साल का बच्चा जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। कौन सी कक्षा में? 5वीं। और अगर आप हेडलाइन पढ़ें तो ये पढ़िए, देखिए क्या लिखा है हेडलाइन में, कि ये बच्चा जो था 11 साल का गाजियाबाद का, ये यूट्यूब से सीखा था, पूरे टाइम यूट्यूब देखता था ये हैकिंग करना, और इसने अपने ही पिताजी को ब्लैकमेल कर डाला। और देखिए खतरनाक बात, नीचे पढ़िए क्या लिखा है, इस भाई साहब ने ऑनलाइन सेशन अटेंड किया था, हाउ टू अवॉइड गेटिंग कॉट इन साइबर क्राइम, कोई साइबर क्राइम पुलिस मुझे पकड़ ना पाए। तो भाई देखिए, ये चिंताजनक विषय है, हंसने की बात नहीं है। 11वीं कक्षा मतलब 11 साल का बच्चा अगर इस तरह के खतरनाक अपराध कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इंटरनेट की डिजिटल डाइट मेरे बच्चे के दिमाग पे असर कर रही है और हमने अब नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। ये घटना हम आपको दिखाते हैं और यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहूंगा सारे पेरेंट्स को। अगर आप अपना मोबाइल फोन बच्चे को दे रहे हैं गेम खेलने के लिए, तो पहली चीज फोन में यूजर बनाना सीखिए, यूजर, और नहीं बनाना आता है तो बच्चे के लिए अलग फोन खरीदिए। आपका फोन वॉलेट है, आपके फोन में UPI है, गूगल पे है और पेटीएम है। ये देखिए क्या दुखद घटना घटी, उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में एक बच्चे ने सिर्फ 36 लाख रुपए खर्च कर दिए एक मेरे रिटायर्ड फौजी के मोबाइल फोन पे, सिर्फ 36 लाख। और उस गेम का नाम था BGMI, ये पबजी का भाई है कोई, और ये सारा खर्चा UPI से हुआ था। और बच्चे ने क्या खरीदा, ऑनलाइन बंदूकें, वेपन्स खरीदे लड़ाई करने के लिए, मतलब लास्ट स्टेज गेम के पहुंचने के लिए। गेम वाले बड़े बदमाश होते हैं, वो पॉपअप डालते हैं, $2 का कपड़ा खरीद लो, $4 की गोली खरीद लो, इससे तुम्हें स्पीड आ जाएगी। बच्चे बच्चे होते हैं, वो बटन दबाता चला गया और मम्मी के UPI से कट्टे कट्टे $10 कट्टे चले गए। अच्छा, पापा और मम्मी अपने SMS तो आजकल चेक करते ही नहीं है, जब से व्हाट्सएप जिंदगी में आया है हम लोग अपने SMS तो देखते ही नहीं है। नतीजा ये हुआ कि भाई 36 लाख रुपए, अब पिताजी बेचारे FIR कर रहे हैं और गेम कंपनी कह रही है कि आपने अपनी इच्छा से खरीदारी करी है, हम कहाँ से वापस कर रहे हैं। ऐसे ही मुंबई के अंदर एक घटना घटी, जब एक मेरे मासूम बच्चे ने 10 लाख रुपए अपने मम्मी के अकाउंट से पबजी पे खर्च कर दिए। तो सुनो भाई, मेरे को गेम से कोई समस्या नहीं है। नंबर एक, गेम एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सुनिए, हम अभी एक स्कूल में गए, 4वीं कक्षा का बच्चा बैठा था, 9 साल का। मैं आजकल छोटे वालों से भी बात करने लगा हूँ, बड़ा मजा आता है करने में, सबसे ज्यादा खतरनाक छोटे वाले हैं आजकल। बड़े वालों से बात करो 11, 12 तो ऐसा लगता है उन्हें तो मोक्ष प्राप्त हो गया, वो तो फेसबुक के जमाने में पैदा हुए थे, उन्हें सब आता है, हंसने लगते हैं वो। और ये छोटे वाले ऐसा लगता है इनको तो मैंने नाम दिया है राक्षसों की सेना, ये मुझे डराते हैं। भाई साहब छोटा सा बोल रहा है 4th क्लास में, सर मैं गेम खेलता हूँ COD, जरा ध्यान से सुनिएगा, गेम का नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी। मैंने जैसे ही प्ले स्टोर खोला, मैं मुझे नहीं मालूम था, मैं तो समझा कैश ऑन डिलीवरी कह रहा है, बोले नहीं सर कॉल ऑफ ड्यूटी, मैंने यहाँ लिखा COD। जैसे ही एंटर दबाया गूगल प्ले स्टोर पे, ये वाला गेम था वो कॉल ऑफ ड्यूटी।
मेरी जान निकल गई जब मैंने ये चीज पढ़ी वहां पे। वहां एज रेटिंग लिखी थी 16 प्लस। क्या लिखी थी? चौथी कक्षा का बच्चा जिसकी उम्र है 9 साल और वो 16 प्लस वाला गेम खेलता है और बोला 3 घंटे खेलता हूं सर। अब मेरी समस्या सुनिए, वो जो डिजिटल डाइट खा रहा है 9 साल की उम्र में, ये 11 12 13 तक आते आते खतरनाक हो जाएगा बच्चा। क्यों? इन गेम्स के अंदर वॉयलेंस है, अग्रेशन है, गंदे शब्दों का प्रयोग है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये वर्ड, गालियां देते हैं ये लोग गेम खेलते समय, और कुछ सेक्सुअल सीन्स भी होते हैं जो कि बड़े इंटिमिडेटिंग होते हैं। मेरे बच्चे के लिए तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा 3 पॉइंट्स आ गए। नंबर एक, कि अगर हमारे बच्चे गेम खेलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गेम एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। दूसरा, टाइम की सीमा 45 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए एक दिन के अंदर। एक बहुत है, 45 तो बहुत ज्यादा बोल दिया, मतलब इतना ठीक है। दूसरा, एडिक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए भाई, मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपने नाम सभी ने सुना होगा WHO का। WHO को बेचारों को एक नई बीमारी पैदा करनी पड़ गई और अब उन्होंने ये बीमारी ऐड कर दी है। इसका नाम है गेमिंग डिसऑर्डर, इट हैज बीन क्लासिफाइड एज अ डिजीज। ये पढ़िए, ये दिखा है, गेमिंग डिसऑर्डर को 11वीं ICD के अंदर ऐड कर दिया गया है, जो बच्चों की मानसिकता को खराब करता है और वो गेम में इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि वो वॉयलेंट और एग्रेसिव होने लगते हैं। तो हमें इन चीजों का भी बच्चों के साथ ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई सोशल मीडिया और सोशल मीडिया से बचने के तरीके। चार चीजें याद रखनी है आपको। सुरक्षा मैंने सिखा दिया, टू स्टेप वेरिफिकेशन, प्राइवेसी, फ्रेंड ओनली, ओनली माय फ्रेंड, एवरीवन, इस पे डिसीजन आपको लेना है, क्या दिखाना है क्या नहीं। और सुनो, बच्चे मम्मी पापा से सीखते हैं। मम्मी होटल गई, पहले खाने की फोटो खींची, फिर खाना शुरू किया। मम्मी होटल गई, होटल के बाहर बोर्ड के साथ फोटो खींची, IIM CRPF अकेडमी अटेंडिंग ट्रेनिंग। तो भाई बच्चा भी वही करेगा भाई। तो बच्चों के नेटिकेट, मैं इसको कहता हूँ ऑनलाइन संस्कार, जैसे हमने बचपन में सीखा, पापा हमारे बड़े लोगों के पैर छूते थे तो हम भी सीख गए। अब हमारे यहाँ कोई बड़ा आता है, हम भी पैर छूते हैं। अब अगर मेरे पापा गाड़ी चलाते में फोन पे बात करेंगे तो मेरा बेटा भी जब काइनेटिक चलाएगा तो वो फोन पे बात करेगा। तो हम अगर बच्चों में चाहें तो नेटिकेट घर से ला सकते हैं। सुरक्षा बहुत जरूरी है महिलाओं और बच्चों के लिए। कोई अजनबी आपसे बात करना चाहे, इंगेज मत करो, रिपोर्ट एंड ब्लॉक। इंगेज मतलब हु आर यू, कौन हो, अरे क्या जरूरत है भाई। हम क्या सड़क पे हर अजनबी से पूछते हैं कि भाई कौन हो तुम, क्यों मुस्कुरा रहे हो देख के? नहीं पूछते। तो अगर मेरे पास एक व्हाट्सएप आया अजनबी नंबर से, हाय, और हम क्या कहते हैं, हु आर यू, नहीं भाई नहीं, रिपोर्ट एंड ब्लॉक, छुट्टी। और आखिरी चीज जो अब हमें सिखानी है, वेल बीइंग, अच्छा कंटेंट डालो। भाई सुनो, आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ, बाकी लोग तो हमें सिर्फ देख रहे हैं। क्या आजकल सोशल मीडिया पे जो वीडियोस और रील्स आती हैं, क्या सारी अच्छी होती हैं? नहीं, टॉक्सिक होती है कभी कभी, डिस्टर्बिंग होती है, यस, मोस्ट ऑफ द टाइम। ये देखिए, जो लेडीज हमारे साथ बैठी है वो खुद एग्री कर रही है कि जो डिजिटल कॉन्टेंट है वो कई बार अच्छा नहीं होता है और इसका असर हमारे दिमाग और हमारी तबीयत पर पड़ता है। अगर हम चाहें आज सब एकजुट होके अच्छा कंटेंट शेयर करना सीखें, हैप्पी कंटेंट, इसे देख के खुश हो, तो मेरे साथ बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो देखिए साहब, आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन सीख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और व्हाट्सएप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हाट्सएप में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी। मेरी फोटो सिर्फ मेरे मित्र देखेंगे। और सुनो, जो कामकाजी और हाउसवाइफ होती हैं, लेडीज स्पेशली, हमारे फोन में घर से रिलेटेड बहुत सारे नंबर सेव्ड होते हैं आजकल। ड्राइवर, दूध वाला भैया, रिक्शे वाला भैया, प्लम्बर वाला भैया, ड्राई क्लीनर वाला भैया, ये सब को हमें व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देना चाहिए। इनको हमारे पर्सनल स्टोरी, स्टेटस और फोटोग्राफ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एंड्रॉयड फोन में एक बहुत अच्छी चीज आ गई है और एप्पल फोन में, अपने व्हाट्सएप को लॉक रखना। तो अब व्हाट्सएप मेरा बिना फिंगरप्रिंट और फेस के कोई नहीं खोल सकता, गलती से मेरा फोन खुला रह गया तो कोई मेरी चैट्स नहीं देख सकता। इसे लॉक रखिए, क्योंकि कई ऐसे मामले आए कि लोग आपका व्हाट्सएप चुरा लेते हैं। कैसे? व्हाट्सएप में एक QR कोड स्कैन करने वाली चीज होती है, तो अगर मेरे को गलती से खुला हुआ फोन मिल गया तो मैं आपकी चैट्स अपने लैपटॉप पे देख सकता हूँ और ये चीज बड़ी खतरनाक है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? अपने डिवाइस को लॉग आउट रखो। क्या रखो? लॉग आउट, और उसमें फिंगरप्रिंट लगा के रखो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये।
कोई फालतू ऐप इंस्टॉल नहीं करना। वो गए जमाने जब हर ऐप इंस्टॉल कर लिया करते थे, फिल्टर, कैलकुलेटर, ब्यूटी, फलाना, नहीं अब नहीं होगा साहब। नो ऐप्स टू बी इंस्टॉल्ड। और ऐप्स इंस्टॉल करते समय परमिशन पे ध्यान दो। अभी 2 साल पहले चाइना ने लॉकडाउन में एक बदमाशी करी, उन्होंने एक लोन ऐप बना दिया और वो लोन ऐप ने तुम्हारे फोन की फोटो और डेटा चुरा लिया। और सुनो, हम लोग अपने फोन की फोटो गैलरी में आधार और पैन और अपने आई कार्ड की फोटो भी रखते हैं और ये डेटा चुरा लेते हैं और उसके बाद OLX पे फ्रॉड करते हैं कि मैं CRPF में कमांडेंट हूँ, मुझे तुम्हारी साइकिल खरीदनी है। तो हम इज्जत करते हैं, अरे भैया ये यूनिफॉर्म वाले आदमी है, उस पर आई कार्ड आया कहाँ से, कभी सोचा आपने? क्यों? क्योंकि हमने अपनी फोटो गैलरी में आधार की फोटो, पैन की फोटो खींच खींच के रखी हुई है। ये गलती अब नहीं कर सकते आप। क्यों? पढ़ो अंग्रेजी में। मैं एक ऐप इंस्टॉल करता हूँ और वो कहता है आई वॉन्ट टू एक्सेस योर फोटो, आई वॉन्ट टू एक्सेस योर ये, तो वो सारी परमिशन ले लेता है, इससे सारी गड़बड़ हो जाती है। तो अब हम स्मार्ट बनेंगे। अब सारे फोन्स में एक ऑप्शन आ गया है, परमिशन जैसे ही मांगता है वो कहता है ओनली वंस, ओनली व्हेन आई यूज या डिनाय। तो मैं कहता हूँ भैया जब मैं इस्तेमाल करूँ, अब जैसे मैं ऊबर यूज करता हूँ, ऊबर मुझसे कहता है मुझे तुम्हारी लोकेशन चाहिए, मैंने ले ले। कब? जब मैं ऊबर इस्तेमाल करूंगा। 24 घंटे तुम मुझे ट्रैक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें समझदारी की जरूरत है। और अगर कोई ऐप आपसे फालतू परमिशन मांग रहा है, हम वो ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग के मैंने मुद्दे बता दिए। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आजकल फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, कैसे अपने पैसे और इन फ्रॉडों से बचे। पहला, कोई ये ऐसा चाइनीज ऐप इंस्टॉल नहीं करें जो आपको इंस्टेंट लोन दे रहा है। आपको कोई लोन चाहिए, सिर्फ RBI अप्रूव्ड बैंक के पास जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज मोबाइल पे आपको बहुत सारे ऐसे मैसेजेस और ऐप्स मिलते हैं, इमीडिएट लोन ले लो, बटन दबाओ पैसा आ जाएगा। भैया नहीं चाहिए ऐसा पैसा, हम जाएंगे एक आधिकारिक बैंक पे और अपना लोन वहां से ले लेंगे। दूसरा, कोई तुम्हें फोन करे KYC के लिए, कोई तुमसे कहे कि बस एक मैसेज भेज दो साहब सर्वर पे, हमें ये हरकत नहीं करनी है, 1 सेकंड लगता है सिम चोरी होने में। आपने एक घटना सुनी होगी, अभी रेडियो पे बहुत आ रही थी, एक आदमी पे तमाम मिस कॉल आए और उसके 50 लाख रुपए गायब हो गए सिर्फ मिस कॉल आने से। क्या किया हैकर ने? उसकी सिम चोरी कर ली, उसकी सिम बंद हो गई, हैकर की सिम चालू हो गई। कैसे? बेवकूफ बना के। उसने कहा मैं आपकी KYC कर रहा हूँ, आप एक SMS भेज दो अपने फोन से। जैसे ही वो SMS भेजा, उसकी सिम बंद, हैकर की सिम चालू। और सुनो भाई, अब हमारा बैंक हमें नहीं जानता है, हमारे सिम को जानता है। UPI OTP, क्रेडिट कार्ड OTP, डेबिट कार्ड OTP, और OTP कहाँ आता है? सिम पे आता है। तो सिम सुरक्षित, आपका बैंक सुरक्षित। तो ये इस तरह के फ्रॉड से बचे। कोई वेबसाइट ढूंढनी है, आपको उसका असली नाम पता होना चाहिए। गूगल में कई बार विज्ञापन की वजह से नकली वेबसाइट ऊपर आ जाती है, तो उनमें धोखा ना खाएं। अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो आप एक एक्सपर्ट से पूछ लें कि भाई मुझे आधार की वेबसाइट बता दो, मुझे इनकम टैक्स की वेबसाइट बता दो। क्यों? क्योंकि बदमाश क्या कर रहा है, मेरी वेबसाइट का नाम था RakshitTandon.com, अब हैकर ने बना दिया RakshitTandon.com, ए को क्या कर दिया, ओ, और हमने ए और ओ में फर्क जाना ही नहीं। तो ये धोखे बहुत हो रहे हैं। तीसरा, गलती से भी कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर मत ढूंढ लेना। 90% ये हैकर का नंबर सबसे ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि गूगल तो उस पर काम करता है ना, कम्युनिटी पे। तो इन बदमाशों ने क्या कर रखा है, अपने फर्जी नंबर भर रखे। तो एक बेचारे आदमी ने कस्टमर केयर का नंबर ढूंढा और वो तो ट्रू कॉलर था, तो ट्रू कॉलर पे देखो लिख के आ गया फ्रॉड, उसने बचा लिया ट्रू कॉलर ने, वरना उसने कहा भाई साहब एक ऐप इंस्टॉल कर लो। अच्छा, ये कुछ ऐप ध्यान से सुन लें, एनी डेस्क, क्विक सपोर्ट, SMS फॉरवर्डर। अगर आपने इनमें से कोई भी ऐप डाउनलोड किया, आपका फोन हैक हो गया है। टीम व्यूअर का क्या मतलब है? मैं तुम्हारी स्क्रीन देख सकता हूँ कहीं से भी बैठ के। SMS फॉरवर्डर का क्या मतलब है? सारे तुम्हारे OTP मेरे पास आते रहेंगे। और ये बदमाश कस्टमर केयर के नाम से हमें धोखा दे देते हैं। अब मुझे Amazon या Paytm या Flipkart में कोई तकलीफ है, अपना ऐप खोलो, हर ऐप के अंदर कस्टमर केयर दिया होता है, ऐप के अंदर। हमें बाहर से नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखिए कुछ घटनाएं घटी हुई है। एक महिला स्विगी पे ऑर्डर कैंसिल कर रही थी, 35,000 निकल गए। एक भाई साहब गूगल कस्टमर केयर का नंबर ढूंढ रहे थे, 2,70,000 निकल गए।
एक मैडम 199 की पैंट का रिफंड मांग रही थी, 35 निकल गए, और इन सब में कॉमन क्या था? इन्होंने गूगल से नंबर ढूंढा था। कहां से ढूंढा था? गूगल से। सोशल मीडिया पे रातों रात मेरा अकाउंट हैक हो गया, मेरे अकाउंट में 38,000 फॉलोअर है, ब्लू टिक लगा हुआ है, उसको रातों रात कर दिया गया टॉप 99, और नीचे फोटो डाल दी गई आईफोन एप्पल वॉच, और रेट कर दिए 50%। कितने? अब आदमी ने क्या देखा? ब्लू टिक। आदमी ने क्या देखा? 20,000 फॉलोअर। तो क्या वो धोखा खा जाएगा? इसलिए आजकल फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो इससे बचने का तरीका ये है कि पहले गूगल पे रिव्यूज चेक करो, और कोई भी नई साइट से अगर शॉपिंग करो तो कोशिश 99% COD मंगाओ। क्या मंगाओ? पेमेंट मत करो ना भाई, जब तक उसके रिव्यूज ना आ जाए, 10 लोगों से कंफर्म ना हो जाए, हाँ मैंने खरीदा था, बिल्कुल सही सामान आया, उसकी वेबसाइट है, उसका लीगल नंबर है, उसकी वेबसाइट पे ऑफिस का एड्रेस है, उसके वेबसाइट पे ताला लगा हुआ है हरे रंग का, वो लॉक होता है ना लॉक, ये सारी पहचान होती है कि भाई ये मामला गड़बड़ तो नहीं है। ब्लैकमेलिंग मैंने बताई दिया आपको, वीडियो कॉलिंग से बचें, और जेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो रैकेट चल रहा है वो जेंट्स को टारगेट कर रहा है। कोई ऐसा विज्ञापन दिखाई दे जाए सोशल मीडिया पे, एक थाली पे दो थाली फ्री, तो खुश मत हो जाना। कोई ऐसा मैसेज आ जाए कि तुम्हारा बैंक बंद होने वाला है, कृपया क्लिक करें, देखिए हू बहू ICICI की स्क्रीन खुली है, लेकिन ऊपर स्पेलिंग गलत है। तुम्हारी बिजली काट दी जाएगी, घर बैठे पैसा कमाओ, भारत सरकार ने तुम्हारे खाते में 33,000 रुपए डाल दिए। ये सारे मैसेजेस जो हैं ये हमारे को कहीं ना कहीं गलत जगह ले जाते हैं, और मैंने आपको उसका तरीका सिखा दिया बचने का। QR कोड स्कैन करने से पैसा जाता है आता नहीं है, बस ये दिमाग में रखना हमेशा। वो OLX के सामान बेच रहे थे एक मैडम, उसको फोन आया, बोला मैं इंडियन आर्मी से बोल रहा हूँ, मुझे आपका सोफा चाहिए। मैडम बड़ी खुश, बोले ले लो। बोले मैडम मैं आपको पहले 5 रुपए भेज रहा हूँ, देखो मिले? मैडम ने कान से फोन हटाया, बोले हाँ साहब मिल गए। बोले अब मैं आपको एक QR कोड भेज रहा हूँ, हमारे यहाँ आर्मी में ना स्पेशल रिवर्स कार्ड होता है। तो मैडम भी मान गई, बोले अच्छा। जैसे ही कोड स्कैन किया उल्टा हो गए, 6 कट गए। अब मैडम चिल्लाई, अरे ये क्या हो गया? बोले आई एम सो सॉरी मैडम, आई एम सेंडिंग अनदर कोड, मैं दूसरा कोड भेज रहा हूँ 12,000 का, वो कर लो स्कैन। मैडम ने दोबारा स्कैन कर दिया, 12 + 6 = 18 निकल गए 3 सेकंड के अंदर। अच्छा ये वॉलेट बड़े फास्ट काम करते हैं, आवाज भी आती, टिंग 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 गए, नो स्पीड ब्रेकर नो रेड लाइट। तो सोच समझ के, चश्मा लगा के, स्पेलिंग पढ़ के पेमेंट करना चाहिए। और जब आप शॉपिंग करें और QR कोड स्कैन करें, तो दुकानदार को पहले नाम दिखाइए, भैया ये आपने रक्षित जी, ये जो भी कोड, वो कहेगा हाँ, तब सेंड करिए। वरना आजकल ये भी बदमाशी हो रही है, अभी हमारे यहाँ एक केस आया, पेट्रोल पंप पे रात को हैकर आया और अपना स्टिकर चिपका दिया QR कोड का, अगले दिन सुबह 1.5-2.5 लाख का पेट्रोल बिक गया, और मालिक कह रहा मेरे खाते में तो 1 रुपया नहीं आया। वो स्कैन करते गए, पेमेंट होता गया। तो गलती हमारी थी, जब हम स्कैन करते हैं तो एक नाम लिख के आता है, फिर ओके दबाना होता है, इस पे ध्यान रखिएगा। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो भाई, ATM डेबिट और क्रेडिट सब यूज करते हैं आजकल, और इसके बिना आप काम ही नहीं चलता है। इसमें भी दो श्रेणियां आ गई है, एक जो चिप वाले कार्ड है और मैग्नेटिक टेप वाले कार्ड है, तो उनमें ये बदमाशी हुआ करती थी, इनको क्लोन कर लिया जाता था, इनकी फोटोकॉपी बना ली जाती थी, ये खिलौने चिपका चिपके। और ये वाले जो है ये और भी खतरनाक है, ये देखो ये खिलौना चिपका दिया ATM पे बदमाश ने, नकली मुंह चिपका दिया। ये तो चलो अब कंट्रोल हो गए बहुत, ये जो चिप वाले कार्ड हैं ये टच करने से पैसे निकल जाते हैं। तो देखिए क्या घटना घटी, ये बेचारा शरीफ आदमी अखबार पढ़ रहा है यहाँ पे, ये बदमाश आया और इस बदमाश ने इनकी जेब पे पीछे मशीन टच करी, और ये देखो पैसे निकल गए, वो बेचारा अखबार ही पढ़ रहा है। तो अगर आपके पास ये वायरलेस वाले कार्ड हैं तो इनका अलग वॉलेट आता है, मैं कभी अपने हिप पॉकेट वाले वॉलेट में कार्ड नहीं रखता, ये वॉलेट है एल्यूमिनियम का, इससे जितने कार्ड हैं इनकी रेज स्कैन नहीं होंगी, और नहीं तो आप इसके चक्कर में मत पड़ो, आप अपने किचन में जाओ और वो जो सिल्वर फॉइल एल्यूमिनियम फॉइल में सैंडविच बनाते हो ना, रैप करते हो पराठे, उसमें अपने कार्ड रैप कर लो, कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं इंडियन जुगाड़। तो ये 150 रुपये के 3 मिलते हैं अमेजोन पे, इन्हें कहते हैं NTRFID जैकेट, क्या बोलते हैं? NTRFID स्लीव, लेकिन प्लीज इसे रखें। लेकिन अब एक नई चीज आ गई, भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, 2020 में कानून प्रेरित कर दिया RBI ने, क्या मैं दिखाता हूँ, आप अपने कार्ड को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो, इससे खूबसूरत कोई चीज नहीं है। हर बैंक ने मुझे ये ऑप्शन दे दिया है ऑन और ऑफ करने का, ये देखिए साहब ये मेरा कार्ड है, मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ,
ऊपर देखिए क्या लिखा है ऐप में, स्विच ऑन स्विच ऑफ, उसमें भी दोनों लिए हुए हैं, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, उसमें भी चार कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, ऑनलाइन स्वाइपिंग कॉन्टैक्ट या एटीएम, मैंने सबको ऑफ कर रखा है, देखो सब ग्रे है, ऑफ 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 ऑफ। अब मैं पेट्रोल पंप पे गया, 2000 का पेट्रोल डलवाया, बोला 2000 रुपए हुए, मैंने अपना मोबाइल खोला, ऐप खोला और इस बटन को बस ऑन कर दिया, ब्लू कर दिया, जैसे ही ऑन हो गया मेरा कार्ड चल पड़ा, मैंने पेमेंट करा, जैसे ही उसने वापस किया मैंने फिर ऑफ कर दिया। अब भगवान ना करे किसी ने मेरा कार्ड चोरी कर लिया है तो भी वो कोई नुकसान नहीं कर सकता। इसको करने के लिए तुम्हें अपने बैंक का ऐप अपने फोन में डालना है बस। अब मेरा बैंक है आईसीआई, मैंने आईसीआईसीआई खोला और ये देखो डोमेस्टिक के आगे लिखा है इनेबल डिसेबल, इनेबल डिसेबल, मैं क्या करके रखता हूँ, डिसेबल करके रखता हूँ। तो अब इससे कोई मेरे कार्ड से पैसा, वो तुम्हारे पास योनो हो एसबीआई हो, और ये कानून 2020 में आ गया, तो यानी कि अब यूजर के हाथ में है कार्ड। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ दुर्घटनाएं हो रही है यहाँ पे, आधार से पैसे निकल रहे हैं, इन बदमाशों ने अंगूठा चोरी करना शुरू कर दिया था, एक नई मुसीबत आ गई। अभी हमने ये 5 लोगों को पकड़ा, इन बदमाशों ने रजिस्ट्रियों में से अंगूठे चुराए, एक केमिकल से अंगूठा बनाया और आधार से पैसे निकाल लिए। तो भाई करने की बात नहीं है, सुरक्षित रहने की बात है। आधार की वेबसाइट खोली मैंने, खुल गई अंग्रेजी में या हिंदी में, मैं गया, मैं अंग्रेजी में चला जाता हूँ। यहाँ आपको एक बटन मिलता है आधार सेवाएं, क्या लिखा है ये, आधार सर्विसेज। इसके अंदर एक अंग्रेजी बटन दिख रहा है हमको, लॉक बायोमेट्रिक अनलॉक बायोमेट्रिक, मैंने अपना अंगूठा लॉक कर दिया। अब मैं कब खोलूंगा, जिस दिन मुझे कोई फ्लैट खरीदना हो, जमीन खरीदनी हो, या पासपोर्ट का वेरिफिकेशन सरकारी विभाग में कराना हो, तो जाने से पहले अनलॉक कर लूंगा, जाऊंगा अंगूठा लगाऊंगा और वापस आके क्या कर दूंगा, लॉक। बड़े बुजुर्गों के तो लॉक करा दो भाई, जितने भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनके तो लॉक करा के रखो, क्योंकि अब तो वो कोई घर खरीद नहीं रहे, ना तो प्रॉपर्टी खरीद रहे, वो जो खरीद रहे वो हम ही लोग खरीद रहे हैं, उनके तो लॉक करा दो, क्योंकि भरोसा नहीं है किसी का भी, मतलब आप हद है। मैं क्या दिखाऊं आपको, ये देखो, मैं उस दिन जिस दिन हैकर को पकड़ा तो हैकर से मैंने पूछा, मैंने भाई तूने अंगूठा कहाँ से सीखा बनाना, बोले लो यूट्यूब पे चले जाओ, हाउ टू क्लोन फिंगरप्रिंट, हैवी कॉल से सिखा रहा बच्चा। और मजे की बात ये 71,000 व्यूज है इसके ऊपर, तुम लोग मत सीख लेना बनाना, मैं तो तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये देखो हाउ टू मेक डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आधार को खोलिए वेबसाइट को UIDAI की, उसमें जाइए आधार सेवाओं में जाके अपना बायोमेट्रिक लॉक कर दीजिए, आप सुरक्षित रहेंगे। रही कानून की बात, तो 2-3 कानून याद रख लीजिए हिंदुस्तान में। पहला, डेटा चोरी करना अपराध है। दूसरा, पासवर्ड हैक करना अपराध है, 3 साल की जेल है। तीसरा, किसी की फेक आईडी बनाना अपराध है, 3 साल की जेल है। किसी की तस्वीर खींचना डालना और फॉरवर्ड करना जिसमें बॉडी का प्राइवेट पार्ट दिख रहा हो, 3 साल की जेल और 2,00,000 रुपए जुर्माना है, बिना परमिशन के। किसी ने भी बिना परमिशन के मेरी फोटो खींची, मैं वॉशरूम में था, बाथरूम में था, और उसको पब्लिश किया, फॉरवर्ड किया, सबके सब जेल जाएंगे, 3 साल की जेल है। कानून ये अलाउ नहीं करता है, बच्चों को भी पता होना चाहिए और बड़ों को भी। तो इससे मोटी मोटी बात समझ में आ गई, डेटा चोरी अपराध, प्रोग्राम चोरी करना अपराध, पासवर्ड हैक करना अपराध, किसी की फेक आईडी बना के अपराध करना अपराध, और प्राइवेट तस्वीरें खींचना अपराध। दूसरा सेक्शन ये कहता है अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको कितना ही गुस्सा आ रहा हो, सुनो भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमें, फ्रीडम ऑफ गाली नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉनिकली गाली दे दी, देखो भाई हिंदी में तो सड़क वड़क पे तो पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील भाषा का प्रयोग किया, 3 साल की जेल है, 5,00,000 का जुर्माना है। और हमारे सारे कानून में एक बड़ा अच्छा शब्द लिखा हुआ है, हूएवर, उसमें ये नहीं लिखा है महिला को माफ कर देंगे और बच्चों को माफ कर देंगे और अंकिल को पकड़ेंगे, उसमें लिखा है हूएवर, मतलब कोई भी, आप CRPF हो, आप आर्मी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बच्चे हो। और एक और कानून बचा है हमारा, सेक्सुअल कंटेंट नहीं डाल सकते आप, कानून अलाउ नहीं करता, इसमें 5 साल की जेल और 10,00,000 का जुर्माना है और नॉन बेलेबल है। ये एक ऐसा अपराध है जो नॉन बेलेबल है, इस पे बेल नहीं होती है। तो मैंने किसी का सेक्स वीडियो बना के नेट के थ्रू डाला तो मैंने अपराध कर दिया, 5 साल की जेल है साहब। और दो बातें लिखी है, डालने वाला भी जेल जाएगा और फॉरवर्ड करने वाला भी जेल जाएगा।
और आखिरी कानून में ये लिखा है अगर ये बच्चों से रिलेटेड हुआ तो ये और भी खतरनाक है। तो अगर कोई 18 साल से कम है तो उसे हम बच्चा कहते हैं, और अगर बच्चे से रिलेटेड कोई सेक्सुअल कंटेंट, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट डालेगा 5 साल की जेल, 10 लाख जुर्माना, और इसमें एक नया कानून लग जाएगा पॉक्सो, जिसमें इमीडिएट अरेस्ट है और बेल नहीं होती है। पॉक्सो इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। भगवान ना करे किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाए, कहीं मत जाओ, थाने पे मत जाओ, पुलिस को मत ढूंढो, बैंक को मत ढूंढो, सिर्फ 1930 पे कॉल करो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे खाते से पैसा निकल गया, किसी ने मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया, किसी ने मेरा ATM हैक कर लिया, 1 रुपये निकल गए, 100 रुपये निकल गए, 1 लाख रुपये निकल गए, सबसे पहला कॉल जाएगा 1930 पे। उसके बाद आपको एक लिंक आएगा, इस वेबसाइट पे आप पूरा फॉर्म भरेंगे, ट्रांजेक्शन की डिटेल भरेंगे, आपको खुद भरना नहीं आता है, किसी की मदद लीजिए, लेकिन जितनी जल्दी आप ये भरेंगे उतनी जल्दी आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। ये भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया, सारे बैंकों को जोड़ के एक ऑनलाइन सिस्टम बना दिया, जैसे ही मेरे पास शिकायत आई मैं उस पैसे को पूरे इकोसिस्टम में नलियों के अंदर फ्रीज कर देता हूँ। अगर वो पैसा पेटीएम में गया होता है तो मैं वहां रोक देता हूँ, अगर वो फोन पे जाता है मैं वहां रोक देता हूँ। फिर पुलिस विवेचना करती है, अपनी रिपोर्ट दाखिल करती है कि हाँ साहब ये सही कह रहे हैं, इनके साथ धोखा हुआ है, और फिर आपको पैसा आपका वापस मिल जाएगा। दूसरा काम जो आपको करना है वो बैंक को सूचित करना है, ये भी बहुत कंपलसरी है। और सुनो, बैंक को अंग्रेजी में क्या बोलोगे, मेरे खाते को डेबिट फ्रीज कर दो। हम लोग गलत बोलते हैं, हम बोलते हैं मेरा ATM ब्लॉक कर दो, मेरा UPI ब्लॉक कर दो, ना 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 ना, आपने बोलना है मेरा खाता डेबिट फ्रीज कर दो। क्यों? क्योंकि आजकल हमारे बैंकों में बहुत सारे दरवाजे हैं, UPI, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, एयरटेल मनी, RTGS, IMPS, मोबाइल बैंकिंग, और मैंने चुपचाप क्या कह दिया मासूमियत में, मेरा कार्ड ब्लॉक कर दो। उसने तो कार्ड ब्लॉक कर दिया, 2 मिनट बाद मैसेज आया UPI से और निकल गए, मैंने UPI ब्लॉक कराया, फिर मैसेज आया IMPS से निकल गए। तो इसलिए हमने क्या कहा, आप अपने खाते को डेबिट फ्रीज कराइए। तो दो काम, तीन काम जरूरी है, पहला 1930, दूसरा cybercrime.gov.in वेबसाइट पे पूरी फॉर्म डिटेल में भरना, और तीसरा बैंक को सूचित करना। अगर आपने ये काम घटना के 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया तो आपकी काफी लायबिलिटी कम हो जाएगी और आपका नुकसान कम से कम होगा, और जहां आपने ये सब नहीं किया तो नुकसान पूरा हो सकता है, तो ये याद रखिएगा। और इस वेबसाइट पे ये जो हमने नाम बताया, ये मैं स्पेशली खोल के दिखा रहा हूँ आपको सबको, इस वेबसाइट पे हमने किताब दी है बहुत अच्छी रिसोर्सेज, इन्हें जरूर पढ़िएगा और बच्चों को भी पढ़ाइएगा और बड़ों को भी, ये दोनों भाषाओं में है, हिंदी में और अंग्रेजी में। तो आज हमने जानकारी आपको दी है उसका पूरा निचोड़ यहाँ पे आपको किताबों में मिल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। और यहाँ पे एक बटन और दिख रहा है आपको, महिलाओं बच्चों के प्रति अपराध, हमने इसमें एक स्पेशल ऑप्शन डाला है रिपोर्ट एनोनिमसली, मतलब आपको अपना नाम पता देने की जरूरत नहीं है। तो कई महिला बच्चे जब ऑनलाइन किसी घटना के शिकार हो जाते हैं तो वो डरते हैं शिकायत करने में, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, तो ये वेबसाइट आपके बहुत काम आएगी। और इसी के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहाँ रोकता हूँ और आप लोगों को मौका देता हूँ, अगर आपके कोई इसके अलावा सवाल हैं तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने हैं, मैं सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, बच्चे मुझसे बिल्कुल कनेक्ट करते हैं, बहुत बात करते हैं मुझसे, और मैं हर बच्चे को जवाब देता हूँ, मेरे सारे अकाउंट्स ब्लू टिक हैं तो आपको ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी, और मैं सवालों के लिए अवेलेबल हूँ, आप प्लीज़ मुझसे सवाल चाहें तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। एंड साइबर बुलिंग, क्योंकि अभी यह प्रश्नोत्तरी का सेशन है, मैं आग्रह करना चाहूंगा वेबिनार से जुड़े सभी सदस्यों से कि वे आज के विषय पे हमारे मुख्य वक्ता द्वारा दिए गए व्याख्यान तथा उनकी प्रस्तुति से संबंधित किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो कृपया पूछे ताकि हम उनसे उस सवाल पे उनकी राय ले सके। तो एनी रीजनल कावा स्टेशन जो भी हमें सुन रहे हैं, किसी भी रीजनल कावा स्टेशन का कोई सवाल है हमारे आज के कीनोट स्पीकर से तो आप पूछें प्लीज। सर आई एम सुभाष वाजपेयी, GC प्रयागराज। सर सुन पा रहे हैं आप? प्रयागराज आपकी आवाज आ रही है, आपकी स्क्रीन पे आपका फेस नहीं दिख रहा है, आपके कैमरे के सामने आइए प्लीज।
सर कैसे पता चलेगा कि हमारा मोबाइल या हमारा कोई आईडी हैक्ड है या नहीं है? क्या कोई ऐसा साइट है जिस पे हम कंफर्म कर सकते हैं इस बात को? देखिए हैक का तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अगर हमारा डाटा चोरी हुआ है कहीं पे तो वो चेक करने की एक साइट दिखाई देते हैं आपको, haveibeenpwned.com। आप इस साइट पे अपना ईमेल आईडी टाइप करिए, जैसे मैंने अपना ईमेल आईडी टाइप किया और मैंने लिखा जरा चेक करो कि कोई मेरा डाटा चोरी तो नहीं हुआ है। जैसे मैंने एंटर दबाया, लाल रंग से लिख के आ गया, हाँ भाई तुम्हारा 2 बार डेटा चोरी हो चुका है। मैंने कहा कब कब हुआ है? नीचे आके पता चला कि आदित्य बिरला के यहाँ डकैती पड़ी थी 2021 में, इसमें मेरा डेटा चला गया। दूसरी डकैती पड़ी थी कैनवा नाम के ऐप पे, इसमें भी मेरा डेटा चला गया। तो अब मैं अलर्ट हो गया, मैं अपना पासवर्ड बदल लूंगा, मैं अपनी अकाउंट को सिक्योर कर लूंगा। दूसरा, अगर आप अपना जीमेल चेक करना चाहते हैं तो आप अपना जीमेल का खाता खोलो, आप सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाओ, मैनेज योर अकाउंट पे। जैसे आप सुरक्षा में जाओगे, इसमें नीचे आपको दिखाएगा तुम्हारा खाता कहां कहां से खुला हुआ है। ये देखो यहां लिखा हुआ है 2 जगह तो मैकबुक पे खुला है, 1 आईफोन पे खुला है और 1 किसी गैलेक्सी फोन पे खुला है। तो अगर मान लो इसमें से तुम नहीं हो तो फौरन ये मैनेज का बटन दबाओ और उस बदमाश डिवाइस को यहां से लॉग आउट कर दो। तो मान लो ये वन प्लस मेरा नहीं है तो मैंने इसको यहां से कह दिया साइन आउट, मैंने बाहर निकाल दिया। यही सेम चीज आप अपने सोशल मीडिया खातों पे भी चेक कर सकते हैं, इसे लॉगिन एक्टिविटी कहते हैं। तो एक तो ये चीज है पकड़ने की कि क्या कोई और तो मेरे खाते में नहीं घुसा हुआ है। दूसरा, अगर आपको जरा भी शक है तो सबसे सेफ तरीका होता है सैनिटाइज करना। जैसे हम हाथ सैनिटाइज करते हैं, अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दो, करने की बात नहीं है। सारा डेटा मेरे जीमेल पे पड़ा हुआ है, मैं दोबारा से जीमेल आईडी डालूंगा, मेरी फोटो मैसेज ऐप सब वापस आ जाएंगे। फोन का बैकअप लो और फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दो। उससे क्या होता है, उसमें जितने भी वायरस पड़े होंगे सब गायब। और आखिरी चीज, भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी वेबसाइट दी है, cyberswachkendra.gov.in। इसका शॉर्ट फॉर्म है csk.gov.in। हमने कुछ यहाँ पे औजार दिए हैं, सुरक्षा औजार। इन औजारों के अंदर अपने मोबाइल को स्कैन करना, अपने मोबाइल की सुरक्षा करना, ये सारे ऐप्स आपको दिए गए हैं। इन ऐप्स को डाउनलोड करके आप अपने लैपटॉप और अपने मशीन में से सारे कीड़े मकोड़े हटा सकते हैं। तो ये वेबसाइट भी आपके बहुत काम आएगी, इसका नाम मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे csk.gov.in। और जो डेटा चेक करने वाली थी haveibeenpwned.com, इस पे आप अपना डेटा चेक कर सकते हो ईमेल का कि क्या तुम्हारा डेटा अभी तक किसी डकैती में चोरी हुआ या नहीं हुआ। आई होप डीसी प्रयागराज, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बताएं जी। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम कीर्ति है, मैं सीआरपीएफ पिंजौर से बोल रही हूँ। और मुझे पूछना था, जैसे नॉर्मली हम जो है कोई भी कस्टमर केयर का अगर हमें कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए होता है तो हम 99% गूगल पे ही ट्राई करते हैं। जैसे अब नहीं ढूंढना। ओके सर, जैसे किसी भी, हाँ जी आप बोलो। जैसे नॉर्मली कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक कुछ चीज यूज कर रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए आईएफबी की वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है वैसे तो उस पे नंबर होता है, मशीन पे भी नंबर होता है कस्टमर केयर का नंबर, बट 1% हम कोशिश करते हैं कि हमारे नियर बाय अगर कोई मिल जाता है तो हम वहां से उनका नंबर निकालते हैं, वहां पे कॉल करते हैं। तो आई वुड यहां पे मैं टोकूंगा आपको, आज हर बड़ी कंपनी ने अपना कस्टमर सर्विस ऐप बना रखा है, अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर बना रखा है जिसपे ग्रीन टिक लगा होता है। जैसे मेरे फेसबुक पे ब्लू टिक लगा है, ऐसे ही व्हाट्सएप पे उनके नंबर पे ग्रीन टिक लगा है। और तीसरा, जब आप गूगल पे सर्च करते हो, मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए
तो आपने एक उदाहरण दिया आईएफबी का, मैं यहाँ जब लिखूंगा आईएफबी कस्टमर केयर, तो देखिए ऑटोमेटिकली आईएफबी ऑथराइज कस्टमर केयर आ जाएगा 080। ये जो ऊपर रिजल्ट आ रहा है ये ऑथेंटिक है, ये आईएफबी अप्लायंसेस का है, ठीक है। आईएफबी अप्लायंसेस की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, ये रहा, इसके थ्रू अगर मैं जाता हूँ, आप देखिए इसमें ये ग्रीन टिक लगा हुआ है, ट्रस्टेड वेबसाइट है और ये इनका ऑफिशियल नंबर है। लेकिन अगर यही नंबर मैंने मैप पे ढूंढने की कोशिश करी गूगल मैप पे, तो मुझे रिस्क हो सकता है, क्योंकि रिस्क क्या है मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये नंबर है, अब ये आईएफबी सर्विस सेंटर का नंबर है, इसमें नीचे इन्होंने एक मोबाइल नंबर दे रखा है। अब आपको मालूम है गूगल में क्या बदमाशी है, ये एडिट किया जा सकता है, पीछे पढ़ो आपको इसको कोई भी चेंज कर सकता है, तो इनको मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा। मेरा ये कहने का मतलब था, ये जो नंबर हमें दिख रहा है, मैं सीधे ऑफिशियल नंबर से बात करूंगा, वो जो मुझे गूगल पे डायरेक्ट दिखाई देता है लिखते ही। और दूसरा तरीका ये है कि हर कंपनी का अपना ऐप होता है, ऐप के अंदर सेटिंग्स होती है, सेटिंग्स के अंदर सपोर्ट का बटन होता है, अमेजोन हो, जोमेटो हो, फ्लिपकार्ट हो, आईएफबी हो, तो दैट इज द सेफेस्ट वे। और चलो मान लो आपने एक नकली नंबर को कॉल कर दिया, पहचान क्या होगी, मैडम मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप एक 10 रुपए का फॉर्म भर दो, नहीं ये गड़बड़ है, मैं लिंक भेज रहा हूँ, ये लाइन ही गड़बड़ है, कोई ऑफिशियल कस्टमर केयर आपको लिंक नहीं भेजता है, वो सीधे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करके क्या कहता है, आप पे मैडम SMS आ जाएगा कस्टमर केयर से, उसमें लिखा आएगा कौन आदमी आ रहा है, कितने बजे आ रहा है और आपकी कौन सर्विस करेगा, उसको जेन्युइन कहते हैं। तो ये तरीका है बचने का। सर नॉर्मली होता है जैसे आईएफबी का जो सेंटर होता है वहां पे हमारी कॉल चली जाती है, पर उस टाइम पे वो बोलते हैं कि आपका जो नियर बाय सेंटर आप ट्राई कीजिए उस पे बात कर सके। नॉर्मली जैसे मैंने आईएफबी का भी अगर एग्जांपल दिया है तो उसमें बोलते हैं कि आप सपोर्ट पे कॉल कीजिए, वहां से फिर जो है अभी कॉल मतलब सारे जो वो है बिजी चल रहे हैं, तो इस वजह से हम सेकेंड ऑप्शन चूज करते हैं कि नियर बाय हमारे सेंटर है जो वहां से कॉल करे, उस नंबर पे हम कॉल करें। मैं तो मैम आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर आईएफबी ऐप, मैं भी आईएफबी का कस्टमर हूँ, मेरे यहाँ भी वॉशर ड्रायर डिश वॉशर सब लगा हुआ है और मेरे पास ये ऐप है आईएफबी ऐप और आईएफबी अप्लायंसेस ने बनाया, ये भी चेक कर लेना नीचे नाम, और मैं इसी के थ्रू अपनी सारी प्रॉब्लम कस्टमर सर्विस सपोर्ट इसमें सब दिया हुआ है ऐप के अंदर, ये देखो सपोर्ट यहाँ दिया हुआ है, इसी से मैं बुक करता हूँ और मेरे पास सीधे SMS आ जाता है कि प्रमोद नाम का आदमी आ रहा है और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे। इन्होंने अपना एक आजकल वो भी बना रखा है चैट बॉट, उस पर आप डायरेक्ट चैट भी कर सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप आज की तारीख में ना, क्योंकि ये हो रहा है एक्चुअली में इस तरह के केसेस कस्टमर केयर के नाम पे ना बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को, इसलिए मैंने आपको ये अलर्ट किया है कि हम डायरेक्ट कम्युनिटी नंबर्स को कॉल ना करें। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर मैं नवीन जी सी पिंजौर से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि किस एज के बाद जो बच्चे हैं साइबर बुलिंग के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, हमें किस एज में उन बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए? चौथी कक्षा से ऊपर शुरू होना पड़ेगा अब आपको, क्यों? क्योंकि 2 साल का गैप हो गया, तो 2 साल के जो गैप हुआ है उसमें जो सेकंड क्लास का बच्चा था वो सीधे फोर्थ में आ गया, जो फोर्थ का था वो सीधे छठी क्लास में आ गया, 2 साल इन्होंने सिर्फ इंटरनेट वाला स्कूल देखा है और वो ऑनलाइन एजुकेशन के चक्कर में इन लोगों को इतनी सारी चीजें इतनी सारा खाना पीना मिल गया इंटरनेट से कि होशियार हो गए। तो कायदे से देखो गेम और साइबर बुलिंग की बातचीत चौथी कक्षा से शुरू करो, उनके अंदर से बात करके उनके अंदर से निकलवाओ। कोई किसी को बॉडी शेम करता है, तुम छोटे रह गए तो उसको छोटू छोटू चिढ़ाते हैं, कोई ऑनलाइन उनको ग्रुप में उनकी फोटो खराब करके डालता है, कोई जबरदस्ती उनको किसी से जोड़ देता है, बहुत तरीके से बच्चों की मानसिकता पे प्रेशर डाला जाता है और ये स्कूलों में हो रहा है। तो अब स्कूलों ने क्या कर दिया है कि इस तरह की वर्कशॉप कंपलसरी कर दी है, भारत सरकार ने क्या कर दिया है, साइबर एजुकेशन साइबर सेफ्टी कंपलसरी कर दी है हर किताब में कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो चौथी पांचवी कक्षा के बाद से बात, और सुनो छोटे वाले बच्चों को अपना फोन कभी मत देना, 3-4 साल के बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए, कभी मत दिया करो,
और अगर आपके यहाँ बहुत छोटे बच्चे हैं और उनको कंप्यूटर पे कुछ करना है, उनके लिए एक ऐप आता है, उसका नाम है यूट्यूब किड। ये वाला ऐप डाउनलोड करो, यूट्यूब किड। खबरदार, नॉर्मल यूट्यूब बच्चों को दिया आपने, छोटे वालों को, तो ये ऐप जरूर डाल लें, यूट्यूब किड। और अगर आप कर सकें तो एक बहुत अच्छा ऐप आता है, गूगल फैमिली लिंक। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब भी आप अपने बच्चों को लैपटॉप या फोन दो तो उसमें ये डाल दो, तो आप हमेशा खुश रहोगे। आपका बच्चा कोई बदमाशी नहीं कर पाएगा और आप पे पूरा कंट्रोल रहेगा। आपने कहा भैया 30 मिनट यूट्यूब चलेगा, तो 30 मिनट के बाद वो यूट्यूब बंद हो जाएगा, फोन पे चलेगा ही नहीं, वो अगले दिन ही खोलेगा। ये गूगल फैमिली लिंक हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। हमें कैसे पता चलेगा हमारा बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार है? मैम वो तो उससे बात करने से ही पता चलेगा। और सुनो, एक और तरीका है पता करने का। अगर आपका बच्चा बहुत टाइम तक चुप रहता है, मोबाइल अचानक से मोबाइल से हट जाता है, कहाँ रोज पूरे दिन मोबाइल पे लगा रहता था, अब वो मोबाइल छू भी नहीं रहा है, तो ये सिम्टम्स होते हैं। ये एक तरह के जैसे बीमारी के सिम्टम्स हैं, ये हमारे यहाँ बच्चों के सिम्टम्स होते हैं। इनसे हमें पता चल जाता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ इनके दिमाग में चल रही है। तो वहाँ पे बात करो, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, कोई तुम्हें डरा रहा है, उनसे गलतियां हो जाती है, बच्चों से गेम खेलते में हो जाती है, तो ये सब चीजें आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। एक सवाल यहाँ मैम का है, यहाँ से ले लेते हैं एक सवाल। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने कोई ऐप डाउनलोड किया, ये आवाज म्यूट हो गई है सीआरपीएफ एकेडमी, आपके सवाल नहीं सुन पा रहे हम लोग, आप प्लीज माइक को म्यूट करें। आज भी वो आपके फोन को एक्सेस कर पाएगा क्या? नहीं, तो अगर कोई गलत ऐप हमसे इंस्टॉल हो गया है तो उस समय ये क्वेश्चन हमारे पास आया है मैम से, कि मैम का नाम है रजनी, रजनी मैम का एक क्वेश्चन आया है कि गलती से हमसे गलत ऐप इंस्टॉल हो गया और हमें उसने सारी परमिशन ले ली और बाद में रियलाइज हुआ और उसके बाद हमने उसे हटा दिया, तो हटाने के बाद भी वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है? तो देखिए साहब, जब आपने वो गलत ऐप इंस्टॉल किया और परमिशन दी, तो उस देर के अंदर तो उसने सारा नुकसान जो पहुंचाना था वो पहुंचा दिया, डेटा ले लिया। लेकिन जब आप उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं उसके बाद वो कोई हरकत नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐप्स इतने बदमाश होते हैं कि वो अपना एक छोटा सा टिडबिट छोड़ देते हैं, तो वो एक टेक्निकल आदमी देख सकता है। तो उसके लिए मैंने क्या सिखाया कि आप फैक्ट्री रीसेट ही कर दो फोन को, उसमें नुकसान कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि आपका डेटा तो क्लाउड में सुरक्षित है। आपने फोन बिल्कुल ब्रांड न्यू कर लिया, तो वो एक 1% डाउट भी जो होता है कि कुछ रह गया हो अंदर और कुछ उसने बदमाशी कर दी हो, वो भी खत्म हो जाता है। जी और कोई सवाल किसी रीजनल कवर स्टेशन से? जय हिंद सर। सर कोबरा स्कूल बेलगांव से बोल रहा हूँ श्रीमान। सर हमारा मोबाइल गुम हो जाएगा तो उसका डाटा हम सर पूरा डिलीट करना चाहते हैं और ब्लॉक करना चाहते हैं, ये सर कैसे होगा? जैसे ही आपका फोन गुम हो जाए सबसे पहला काम ये करिए, अपना सिम ब्लॉक करवाइए और ये एक ऐप नोट कर लीजिए, फाइंड माई डिवाइस। जो तुम्हारे बगल में मित्र खड़ा हो उसके फोन पे ये ऐप डाउनलोड कर लो, इसका नाम है फाइंड माई डिवाइस, गूगल फाइंड माई डिवाइस, और इसमें अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए। और जैसे ही आप डालेंगे, जैसे अब मेरा फोन है, मेरे को अभी अभी पता चला मेरा ये वन प्लस फोन चोरी हो गया, तो मैं नीचे गया और मैंने सीधे ये बटन दबा दिया, इरेज डिवाइस, क्या लिखा है, इरेज। जैसे ही मैं ये बटन यहां दबाऊंगा, जिस चोर के पास मेरा फोन गया होगा वो बिल्कुल खाली हो जाएगा, वो मेरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो मैं फिर रिपीट, तो भी चलेगा ये कमांड। अगर उसने फोन चोरी करते ही बंद भी कर दिया है तो भी ये एक्टिवेट होगा जैसे ही वो फोन ऑन होगा, इसका नाम है गूगल, मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ, गूगल फाइंड माय डिवाइस। जैसे ही चोरी हो आप ये ऐप डाउनलोड करो, इसमें अपना जीमेल आईडी एंड पासवर्ड डालो और इरेज डिवाइस दबा दो, इरेज डिवाइस दबा दो, और सुनो सिम जरूर ब्लॉक करा लो।
लोग बहुत गलती करते हैं, उन्हें ये उम्मीद होती है घंटी जा रही है वो उठा लेगा वो लौटा देगा। बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते आजकल, क्योंकि हमारी सारी जिंदगी सिम कार्ड से कनेक्टेड है, मेरा UPI, मेरा बैंक का खाता, मेरा आधार। तो जैसे ही सिम गायब हो हमें अपने सिम को ब्लॉक करवा देना चाहिए कंपनी को फोन करके, और उसके बाद एक ऑनलाइन FIR या कंप्लेंट करा देनी चाहिए मिसिंग फोन की, कि हमारा फोन गायब हो गया है। तो ये भी कंप्लीट आप करा दे। कई साइबर सेल्स हैं जो बड़ी मदद करते हैं और वो फोन ढूंढ के भी दे देते हैं आपको, लेकिन हमें उसकी आस ना रखो। आज जैसे ही चोरी हो गूगल फाइंड माई डिवाइस। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। राइट, कॉन्फ्रेंस हॉल से यहाँ से कोई सवाल? मैं एक सवाल, मतलब एक तो मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ है कि व्हाट्सएप पे मुझे एक फोटो आया था, उसमें मेरे गाड़ी का फोटो था और कोई बोर्ड के पास का था, लाइक मैं एक बार भोपाल में पोस्टेड थी 2 साल पहले, तो मुझे वहां का फोटो आया था जबकि मेरा गाड़ी का नंबर नहीं था ना मेरी गाड़ी थी, लेकिन वो गाड़ी का फोटो आया था और ये आया था कि ट्रैफिक पुलिस के इधर से आ रहा है और आपको आपकी गाड़ी ने इतने यहाँ पे क्रॉस किया है इलीगली तो आपको पैसे जमा करने हैं। तो वो लकली ये था, वो धुंधला सा नंबर था, तो वो मैं लाइक मेरे हस्बैंड को दिखाया, मैंने कहा ये तो हमारा गाड़ी, हम लोग तो इस समय थे ही नहीं भोपाल में और यहाँ पर तो हम गए ही नहीं कभी। तो अभी इन्होंने बोला कि नहीं ये फेक है और एग्जैक्टली ट्रैफिक पुलिस का पूरा उसके इसके साथ आया था कि आपको ये पे करने पेनाल्टी। तो ये हम लोग नहीं छोड़ रहे मैम, बिल्कुल सही कहा आपने, ये किसी चीज को नहीं छोड़ रहे हैं, बिजली को, पुलिस को, चलान को, जो मिलेगा वो धर दो। इसका तरीका आपको पता है, जैसे आज भारत सरकार का ऑफिशियल ऐप है M-Vahan, अगर मैं कोई वॉयलेशन करता हूँ तो मेरा मैसेज M-Vahan से आएगा और वो बिना मेरे चेसिस नंबर और इंजन नंबर के मेरा चलान कोई खोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, और उसको मैं ऑनलाइन पे कर सकता हूँ। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए लोग कर रहे हैं। आप एक और सुने, अभी परसों तरसों एक घटना घटी है, एक सज्जन पे फोन आया, आप ये रक्षित बोल रहे हैं? बोले हाँ। आपका FedEx से कोरियर आया और उस कोरियर के अंदर वो निकला है बंदूकें, पासपोर्ट और वो, और हम आपकी कॉल साइबर पुलिस को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो आपसे बात करेंगे। और बकायदा वो कॉल ट्रांसफर हुई, कंप्यूटर बोला वी आर कनेक्टिंग यू टू साइबर सेल, वो और वो आदमी को ना वो ना उसका कोरियर से कोई मतलब, ना उसका कोई कोरियर था, और उसने कहा हम आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे ई कोर्ट के लिए, वीडियो स्टेटमेंट, आप एक चुपचाप कमरे में बैठ जाइए, अपना नाम बताइए। अरे भाई रुको, आपको पता है EKYC नाम की एक चीज होती है, भारत सरकार के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे डिजिटल सिग्नेचर है या ऑनलाइन शेयर अकाउंट्स खोलने हो, तो ये कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें हमने ऑनलाइन कर दी। तो ये बदमाश आपसे वो डरा के एक वीडियो बनवा लेते हैं और फिर आपकी KYC से आपका पता चला शेयर का खाता खाली, मेरे 1 करोड़ के शेयर पड़े थे वो गायब हो गए सारे उसमें से। तो इसलिए कोई तरीका नहीं छोड़ रहे, इसका एक ही आंसर है, इंटरनेट पे क्रिटिकल थिंकिंग रखो, बिल्कुल पुलिस वाली सोच रखा करो, हर बात में पूछो कौन है भाई क्यों है, सीधे मानना ही नहीं है मेरे को, तो तब जाके आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और ऐसे इंसिडेंसेस से बचते रहिए। बिल्कुल सर, एक सवाल और है, लाइक बच्चे सबसे ज्यादा यूज करते हैं जेप्टो, जोमैटो और डोमिनोज, तो हमारे पूरे नंबर्स तो उन्हीं के पास चले जाते हैं, तो हम उसको कैसे सेफ रख पाएंगे नंबर, या तो हम अलग एक नंबर ही रखें अकाउंट के लिए जिससे हमारे बैंक के खाते हो। जोमैटो स्विगी से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम डिजिटल मनी से है। मेरी बस आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर 15 साल से छोटे बच्चे हैं तो जैसे हम लोग बच्चे थे तो हमारे पापा हमें जो पॉकेट मनी देते थे उसके 1-1 रुपए का हिसाब लेते थे, कितने की बॉल खरीदी, कितने की पतंग खरीदी, और हमने वो चीज मेंटेन करी और हमें पैसे की वैल्यू सिखाई गई। लेकिन आज जब हमारा वॉलेट, मम्मी का वॉलेट जो कि बैंक से लिंक है और मम्मी के सेविंग अकाउंट में 1,00,000 रुपए पड़े हुए हैं और उसी UPI पिन को बच्चा यूज करता है अपनी अथॉरिटी से, तो मुझे वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
तो अगर हम उस तरह का एक एनवायरनमेंट बना लें कि ठीक है आपने ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया, वो आपकी सहूलियत भी होगी कि चलो बच्चे ने अपने आप ऑर्डर दे दिया, बट व्हेन इट कम्स टू द पेमेंट आई थिंक वहां पे पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए कि मम्मी ने बच्चे से कहा लाओ फोन दो पेमेंट मैं करूंगी, आई एम नॉट शेयरिंग माई UPI पिन क्रेडिट कार्ड नंबर एक इमेच्योर बच्चे के साथ, क्योंकि कल को वो कब क्या ऑनलाइन खरीद लेगा और आपके फोन से मैसेज भी डिलीट कर देगा, आपको तभी पता चलेगा जब 3 महीने बाद स्टेटमेंट देखोगे, तो मैं वो हरकत नहीं चाहता हूँ। और मेरे कुछ बच्चे ऐसी गड़बड़ कर जाते हैं, उनको भी बच्चों को पीयर प्रेशर से और बाहर के माहौल से पता नहीं क्या क्या सीखने को मिल जाता है, तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि जोमैटो यूज करने में प्रॉब्लम नहीं है, खाना ऑर्डर करने में प्रॉब्लम नहीं है, मैं अमेजोन पे ऑर्डर करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट इट हैज टू बी अंडर पेरेंटल गाइडेंस, और पैसे का अधिकार बच्चों को इतनी जल्दी ना दिया जाए, ये मेरा मानना है। सर एक सवाल लास्ट पूछना चाहती हूँ, लाइक हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा ऐप वाकई वर्थ है, लाइक उसमें बहुत सारे फ्रॉड वाले ऐप भी होते हैं, कोई भी ऐप अगर हम डाउनलोड करते हैं तो हम कैसे पता चलता है, इज देयर एनी थिंग? तीन चीजें हैं मैम, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, वो लाइव लिख देता हूँ अपने नोट्स में। पॉइंट नंबर वन, आप ऐप के डेवलपर को चेक करो, उसके डेवलपर का नाम क्या है, दूसरा उसके रिव्यूज चेक करो, तीसरा उसके डाउनलोड चेक करो, ये तीन चीजें तो सबसे पहले चेक करनी है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं गया प्ले स्टोर पे, ठीक, प्ले स्टोर, और मैंने कहा मुझे व्हाट्सएप डाउनलोड करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं तो सिंपल भाषा में लिख देता हूँ व्हाट्सएप। अब मैं यहाँ देखता हूँ तरह तरह के व्हाट्सएप आ रहे हैं साहब, ठीक है, अब एक व्हाट्सएप ट्यूटोरियल आ रहा है, एक व्हाट्सएप रिप्लाई ऑटो आ रहा है, और नीचे लिखा हुआ है लोगो वही हरे रंग का है, ब्रिंगर ऐप, ये ब्रिंगर ब्रिंगर को मैं नहीं डाउनलोड करूंगा, मैं नीचे देखूंगा नाम व्हाट्सएप LLC, मतलब व्हाट्सएप की ही ऑथराइज कंपनी ने ये ऐप बनाया है, इसी को हम डाउनलोड करेंगे, तो एक तो ये चीज हो जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसके रिव्यूज मिल जाते हैं, 172 मिलियन रिव्यूज हैं, 5 बिलियन डाउनलोड्स हैं, और एज रेटिंग मिल जाती है, तो ये तीन चीजें तो बहुत आम है। एक मैं ऐप सिखाई दे रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है सिक्योरिटी, उन्होंने डेवलप किया है, इसका नाम है बी विजिल, मतलब विजिलेंट रहना, कोई भी ऐप आप इसमें लिखोगे, मैंने लिखा मान लो कैंडी क्रश, मैंने कैंडी क्रश डाला तो उसमें सारे कैंडी क्रश खुल जाएंगे, 3-4 जो भी आते हैं, मैंने कहा बताओ जरा ये कैसा ऐप है, तो जैसे ही क्लिक किया इसकी सिक्योरिटी रेटिंग आ गई, मैंने लिखा है 6.3 एवरेज है, तो मतलब ठीक ठाक ऐप है, इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ हरे रंग से पुअर लिखा आ जाए लाल रंग से और उसकी रेटिंग हो 1 और 2, तो भाई मैं वो ऐप डाउनलोड नहीं करूंगा। तो ये एक छोटा सा आप यूज कर सकते हो, और बाकी वायरस टोटल मैंने बताया ही था, रिव्यूज, ऐप और डेवलपर, ये तीन चीजें हैं जो आपको मदद कर सकती हैं ये जानने में कि वो ऐप सेफ है या नहीं। रिव्यूज जरूर पढ़ लिया करिए, और आजकल तो जैसे ही किसी के साथ घटना घटती है वो फौरन चिल्लाना शुरू कर देता है सोशल मीडिया पे, तो अभी लॉकडाउन में ऐसे कई बदमाश ऐप आए थे शॉपिंग वाले, जो बड़ी अच्छी अच्छी सैंडल वैंडल दे रहे थे, और बाद में पता चला वो किसी की सैंडल आई नहीं, उसकी वेबसाइट का नाम भी बड़ा अजीब था, jootepejoota.com, और उसने कई लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया। जी धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमें मालूम है कि बहुत सारे सवाल अभी भी लोगों के मन में आ रहे होंगे, लेकिन चूंकि समय की थोड़ी पाबंदी है, और जैसा कि मैं आप सबको फिर से सूचित करना चाहूंगा कि ये पूरे जो सेशन है जो आज हमें आप सुन रहे होंगे हमारे कीनोट स्पीकर को, ये सारे रिकॉर्डेड और सेव सेशन है जो कि हमारे यूट्यूब साइट पे सेव रहेंगे, तो आप सभी जब कभी भी चाहे तो इस सेशन को दोबारा भी आप देख सकते हैं, ताकि इसको देख के आपके मन में कोई दुविधा हो तो पूरे व्याख्यान को देख सकते हैं। फिर भी कोई सवाल अगर आपके रह जाते हैं तो आप crpfkawa@gmail.com इस पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, ताकि इसके आधार पे हम अपने गेस्ट स्पीकर से बाद में भी उनके सवाल पे जवाब लेके आपको हम सूचित कर सकते हैं। तो प्रोग्राम की श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए मैं प्रोग्राम को थोड़ी दूसरी दिशा में ले जाना चाहता हूँ। मैं जुड़े हुए सभी लोगों को ये सूचित करना चाहूँगा कि IPS वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन IPSWA द्वारा CRPF के दिवंगत हवलदार मानस पानीग्रही की पुत्री सुश्री बनुश्री पानीग्रही को उच्च शिक्षा हेतु एक लैपटॉप डोनेट किया गया है। सुश्री बानुश्री पानीग्रही जो इस समय 3rd सिग्नल बटालियन कोलकाता में मौजूद हैं,
थर्ड सिग्नल कोलकाता की रीजनल कावा हेड श्रीमती आशा पांडे से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वे अध्यक्षा कावा की तरफ से यह लैपटॉप सीआरपीएफ के दिवंगत हवलदार जी पाणिग्रही की पुत्री सुश्री बनुश्री पाणिग्रही को सपोर्ट करें। थैंक यू युवराज सर। आज इस अवसर पर आईपीएस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मिस बनोश्री पाणिग्रही डॉटर ऑफ लेट हेड कांस्टेबल जीडी मानस कुमार पाणिग्रही को दिए जाने वाला लैपटॉप प्रदान किया जाना है। उक्त सम्मान हेतु मैं श्रीमती आशा पांडे क्षेत्रीय कावा हेड थ्री सिग्नल बटालियन से अनुरोध करता हूँ कि वह इस लैपटॉप को मिस बनोश्री पाणिग्रही को देकर सम्मानित करें, साथ में उनकी माता जी से भी अनुरोध करता हूं कि वो भी साथ में ग्रहण करें। थैंक यू सो मच। सुश्री बनोश्री पाणिग्रही को बहुत बहुत बधाई। हमें आशा है कि यह लैपटॉप उनकी उच्च शिक्षा में लाभप्रद होगा। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि अब हम प्रोग्राम के आखिरी कड़ी में हैं और हमारे गेस्ट स्पीकर का दिया हुआ लेक्चर संवाद समाप्त हो चुका है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर में मौजूद एडीजी एंड डायरेक्टर सीआरपीएफ एकेडमी श्री संजय कौशिक से कि वे सीआरपीएफ महानिदेशालय की तरफ से डॉक्टर राकेश टंडन को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। ओवर टू सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर। थैंक यू सर। और साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती रीता रावत प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से कि वो डॉक्टर रक्षित टंडन को अध्यक्षा कावा की तरफ से कावा की स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। थैंक यू मैम। प्रोग्राम की समाप्ति पे अब मैं इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए मैं डॉक्टर अजिता थाउजेंड अध्यक्षा कावा, आज के कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता डॉक्टर रक्षित टंडन साइबर सिक्योरिटी इवेंजलिस्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सभी जोनल हेड्स सीईसी के सारे मेंबर्स, रीजनल कावा हेड्स, अधिकारीगण, कार्मिक एवं समस्त पारिवारिक सदस्यों का मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर रक्षित टंडन मुख्य व्याख्याता द्वारा साइबर बुलिंग विषय पर दी गई जानकारी हम सभी के लिए काफी लाभप्रद साबित होगी। इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें बहुमूल्य जानकारी प्रदान की, इनके लिए इनका बहुत ही आभार। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण उम्मीद है कि हम सभी इनके द्वारा दिए गए वक्तव्य तथा सुझावों से लाभान्वित होंगे। साइबर बुलिंग एंड क्राइम के बारे में अपना ज्ञानवर्धक कर अपने साथ अथवा अपने परिवारजनों के साथ किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार या किसी असामान्य दुर्घटना होने से हम बच सकते हैं। अंत में मैं पुनः एक बेहतरीन और महत्वपूर्ण सेशन के सफल संचालन के लिए प्रोग्राम की मेंटोर कोऑर्डिनेटर तथा आईटी विंग को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। कोरोना अभी गया नहीं है, कृपया आप सभी अपना ध्यान रखें। कावा परिवार आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। शुक्रिया, धन्यवाद। और यहीं पर यह प्रोग्राम समाप्त होता है। जुड़ने के लिए आप सभी का एक बार पुनः शुक्रिया। थैंक यू सो मच।